शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हाँ, ओके, बस बस इनफ। 20 प्लीज। हाँ, यू टेक दिस मनी, गो। हाँ, जाओ ना। अरे भाई साहब, बिक्की चौबे साहब का घर जस्ट स्ट्रेट इट। हाँ, ये है का। बहुत आलीशान महिला रहा भाई। चलो, अच्छा। श्रीमान बिक्की चौबे जी अंदर, राइट इन। अच्छा, अरे बिक्की चौबे साहब से मिलना है। वेट अ सेकंड, यू आर फ्रॉम कुक फ्रॉम तकीपुर? हाँ जी, धन्यवाद। मिस्टर बिक्की चौबे। अच्छा, अरे यहाँ तो पूरा मेला लगा रहे भाई, रुतबेदार आदमी लगते हैं। मिस्टर बिक्की चौबे, ना ये नहीं हो सकता। इक्का घर है, अब हम क्या करेंगे भाई? पार्वती, इसराम जी। हाँ, सॉरी, हम आपको एयरपोर्ट पे लेने नहीं आ पाए। आप समझ ही गए होंगे क्यों। दरअसल हमने आपको यहाँ आने से रोकना चाहा, लेकिन उसके पहले ही आप निकल चुके थे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें? ये तो एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ हाँ, मैं आपको ए मौसा हो या मौसी हो फूफी हो या खाला, राम जी के पास है सबके लिए मसाला। राम जी के पास है सबके लिए मसाला, हर ताले की चाबी, हर चाबी का ताला। हर ताले की चाबी, हर चाबी का ताला। जैसी भूख देखे वैसा देने वाला, राम जी के पास है सबके लिए मसाला। क्या बात है भैया, राम जी के पास है सबके लिए मसाला। हर ताले की चाबी, हर चाबी का ताला। हर ताले की चाबी, हर चाबी का ताला। बाबरची घराने से जुड़ी है इनकी तारे, बाबरची घराने से पीढ़ी दर पीढ़ी से बाबरची है सारे। बाबरची घराने से जुड़ी है इनकी तारे। कुएं के मेंढक है राम जी पर है कुएं के राजा, सारे कुएं में बजता है इनके नाम का बाजा। कई साल खुद उबले हैं तब दिया उबाला, राम जी के पास है सबके लिए मसाला। जी के पास है सबके लिए मसाला। बहनों की शादी की सर्व जिम्मेवारी, रात दिन यही ख्याल सर पे करे सवारी।
चुटकी अच्छा ना रे पसंद है ना लड़का के लिए मसाला ये लो राम जी लीजिए नहीं नहीं रख लो जाओ बहुत बहुत धन्यवाद हर ताले की चाबी हर चाबी का ताला हर ताले की चाबी हर चाबी का ताला हर ताले की चाबी हर चाबी का ऊ जमाना में गोपाल नारायण तिवारी का बड़ा नाम था बहुत नामी बावर्ची थे अब भगवान की लीला भी देखा मरे भी तो रसोई में जुड़लन के ब्याह में मटर के झोर में छाती पकड़े पकड़े परान छोड़ दिए उस समय राम जी 12 साल के थे और पार्वती ओकी छोटी बहन 7 साल की तब से राम जी जो किताब कापी फेंक कर अपने बापू का कलछुन धरे हैं अपने बापू से बढ़कर बावर्ची निकले हैं और एक ही सपना मन में रखे हैं कि पार्वती का ब्याह खूब ही धूमधाम से करे अपने ऊपर एक ढेला भी खर्चा नहीं किए सब पार्वती के ब्याह के लिए बचा कर रखिए और आज वो दिन आ गया ऐसा ब्याह हो रहा है कि पूरा गांव आंख फार कर देख रहा है का काकी फिर से हुई स्टोरी दादी जी पंडित जी आ गए टुमारो फैक्ट्री में आ जाइए हाँ नमस्ते आइए नहीं नहीं अभी तो हम फैमिली फंक्शन में हैं अरे राधे कहाँ गायब हो गया भरी बाजार में इज्जत नीलाम करेगा बहुत बहुत मुबारक हो मिश्रा जी ए पपुआ हाँ राधे दिखाई दिया का ना नहीं दिखाई दिए अरे कहाँ मर गया यानी नाम पितेतासी देवी भगवती सा वल्दा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति यानी नाम पितेतासी देवी भगवती सा वल्दा ओम मंगलम भगवान विष्णु जी तेरा जुग जुग जी हो बेटा खुश रहा बाबू दूधो ना हा पुतो फलो हमार बचुआ पूरा पैसा दे दिया राम जाने का का करना पड़ा होगा हमार बेटा को इतना रकम जुटाने खातिर राधे राधे आ रही ले पटना अरे का बात है कोनो परेशानी है का अरे दो दिन से हम राधे को ढूंढ रहे हैं पता नहीं कहां मर गया रड़ैया है हजाम है ऊ का हुआ बैठा है दो ही बात उठ गई अब तक ठूस रहा है अरे इसको ढूंढ ढूंढ के हम परेशान हो गए और यहाँ बैठ के डकार मार रहा है इसकी तो समधु जी का हजामत बनवाना है अरे समधु जी हमारी हजामत ना कर रहे तो मेहरबानी होगी का राजा इतना टाइम गिनने में अरे लगता है बहुत सजा सजा के गिन रहे हो सुबह से हम समधु जी के सामने नहीं जा पा रहे का है अरे राधे से पैसे लेकर हमको समधु जी को दहेज में पैसे देने थे सबके सामने छाती टांग कर लाल कपड़ा में बांध के दिया ऊ का था राम जी बस हो गया पिताजी 251 है कंफर्म कर लिया ना कि 251 है जी पिताजी अभी अलमारी में रख के ताला बंद कर दो ठीक है कल सवेरे सवेरे उठ के हम बैंक में जमा कर देंगे बैंक में रुकावट के खातिर खेद है पिताजी लेकिन उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है अरे चौरसिया जी को देख कर सारा बीड़ा यही बनवा लेते हैं आप गिरा सुपारी लेंगे कि सूखा सुपारी चूना लग गया कारे अरे अरे बिल्कुल हद कर दिए हमारे बीच में काटा हुआ था
अरे हम आपकी बिटिया को देखे बगैर उससे ब्याह करने को राजी हो गए थे। काहे? ताकि जो दहेज आप अपनी बिटिया को देते वो दहेज मिलाकर हम अपनी पार्वती का दहेज पूरा करते। और आप है कि बिल्कुल बेफिक्र है। अरे पैसे निकाले ना। काहे? बैंक ड्राफ्ट हाजिर कर दिए। घर छोड़ के भाग गई और जाते जाते दहेज का सारा पैसा भी ले गई। लिखा है आपके जैसे बदन महकने वाले रसोई से ब्याह नहीं करेगी। बुरबक समझ लिया है अपने जैसा बकलोल। ये पान का पत्ता और रुपया में हमको कोनो फर्क समझ में नहीं आएगा। देखिए राम जी, अगर हम चाहें तो इसी समय पूरे समाज के सामने तुम्हारा इज्जत नीलाम कर दें। देखिए हमारा बेटा को फुटपाथ पर है, टेलीविजन पर वेदर रिपोर्ट पढ़ता है, मौसम का हाल, और जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं सुन लेते अपना हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाते। अरे कोनो दिक्कत था तो हमसे कहे होते, कुछ और सोच लिया जाता, लेकिन पान का पत्ता हमको समझ में नहीं आता। माफ कर दीजिएगा संदीप जी, हमें कहीं से पैसे आने की आस थी, टूट गई, इसीलिए गड़बड़ हो गई। इसने का स्वागत सत्कार का इंतजाम किया है, अपनी औकात से बढ़कर किया है, खुद ही अपने हाथ से खाना बनाया है, और उसका भी इंतजाम है, डिजर्ट, आइसक्रीम, कुल्फी, कुल्फी। हाँ, आपने खाया का? अरे भाई संदीप जी के लिए कुल्फी भी लाओ। ए, भाड़ में जाए आपका कुल्फी। अब कुल्फी लेके आइए बर्फ का सिल्ली, हम ठंडा होने वाला नहीं है। बस सुनिए, क्या वो पांडे जी जा रहे हैं, उनको विदा नहीं करे का है का? आते हैं, आते हैं, चलो। देखिए राम जी, ब्याह हो गया, लड़की विदा करके हम ले जाएंगे। हम आपकी इज्जत रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, ब्याह हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हम फंस गए हैं। इमंतर फेरा रीति रिवाज सबका काट है हमारे पास। कितना तकलीफ उठाता है, बरसात होता है तो उसमें भी स्कूटर पर भीगते हुए टेलीविजन पे वेदर रिपोर्ट पढ़ने जाता है। जब कैमरा के सामने बैठता है तो इसका माथा से टप टप पानी चूता है। बताइए क्या इलाज है इसका? है कौन इलाज? कोई इलाज है का? भोले बम जाने के लिए छाता खरीदे थे, बोलिएगा तो नया बरसाती खरीद के दिया जा सकता है। का छाता बरसाती का बात कर रहे हैं आप लोग? गर्मियों के दिन में का बरसाती पहन के चलेगा? अरे रसोई में नहीं बैठना है, दिन भर गमछा ओढ़े बेलन भाज रहे हैं। अरे टीवी पे आता है, पूरा बिहार देखता है, है? आप लोगों को चाहिए कि एक फर्स्ट क्लास सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के दे दे। सुनिए, भले ही अकेले पटना में सड़ता रहे, लेकिन जब तक आप लोग गाड़ी खरीद के नहीं देंगे, लड़का लड़की का सुहाग रात नहीं होगा। क्या कह रहे हैं पिताजी? सुहाग रात तो आवश्यक न है। चुप, बड़ लोग बात कर रहा है तो बीच में बोलता है। चल निकल। सुन लो ना, सारा गाँव मिलकर ही शादी करवाया है। अरे नहीं, बस कहा से छुटा। अब ज्यादा राय विचार करने का कोई जरूरत नहीं है, जो कहा दिए सो कहा दिए, बस अब इंतजाम कीजिए। बार बार नहीं बोलेंगे। ये कहा हो गया छोटू मामा? कैसे लोगों के साथ फंस गए? अरे इनको तो मेरे बावर्ची होने पे भी शर्म आता है। कह रहे कि अगर इनके घर वाले पूछे तो कहे कि हम किसान हैं। छोटू मामा, हमारी पार्वती इनके यहाँ खुश तो रहेगी ना? शरबत पाइए, ठंडक लाइए, मजा आया। शरबत पाइए, ठंडक लाइए, मजा आया। शरबत पाइए, ठंडक लाइए। ब्रेक मार, मजा आया, मजा आया। ये शरबत है कब सीरप, दुई चम्मच से बेसी कोनो गिलास में नहीं है, ऊपर से कोनो को पीने भी नहीं देता। राम जी है ना, है? कर्जा लेकर बहन की शादी करवा रहे हैं। आपकी बेटी का शादी होने दीजिए, कुएं में घोल कर अब पूरे गाँव को शरबत पिलाएंगे। पिला पिला पिला, आपको तो हम पूरा गिलास पिलाएंगे। परेशान लग रहे हो राम जी, हमारे लिए कुछ काम होगा तो बताइएगा जरूर जी। जैसे वो आपकी बहन वैसे हमारी बहन। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गए हैं। अगर इंतजाम में कोई कमी हो गई हो तो कमी? इतना भव्य इंतजाम किए हैं, अब कमी का है का? अब कुल्फी खाए कि नहीं? आज का स्पेशल आइटम खाए, खाए बहुत अच्छी थी। हाँ, तीन बार तो हमारे सामने ही खाए हैं। अच्छा, पधारने के लिए धन्यवाद। चलिए, नमस्ते। अरे सुन दीजिए, हम मानते हैं कि हमने गलती कर दी,
लेकिन कुछ भी करके पैसे जुगाड़ करके हम आपको दे देंगे। कम से कम सबके सामने हमारी इज्जत तो मट्टी में मत मिलाइए ना। कर दिए ना बंटवारा। अरे हमारा और आपका इज्जत का अलग अलग है, अभी कह के हमको पराया मत कीजिए। अरे रुपया पैसा तो कौनो चीज नहीं है, सबसे बड़ा धन तो आप हैं हमारे लिए। डॉक्टर को बुलाए का? हाँ? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप तो, बड़ा भाग्य लिखवा के हैं आप। अंग्रेजी बोल लेते हैं ना? हाँ थोड़ा बहुत तो बोल लेता हूँ। चलिए ज्यादा थोड़ा क्या होता है, आइए आइए इनसे मिलिए। पांडे जी हाथ मिलना चाहते हैं। पांडे जी ये है हमारे राम जी। नमस्ते। वाह क्या बात है भाई, ऐसा लगा जैसे स्वाद की देवी खुदाए धरती पर उतर आई। भाटे कुक यू आर जेंटलमैन। अंग्रेजी भी जानते हैं, बोलिए ना। ना हम कुक नहीं हैं, हम तो किसान हैं ना। कुक कुक हा? अरे ये सब खाना यही तो बनाया है। अरे आप लोग भी बोलिए ना कुछ। हाँ हाँ यही पकाए हैं, अंग्रेजी हिंदी सब पकाते हैं, वो भी पकाते हैं। का नाम है उनका? नमकीन सेवैया। पूडल नूडल। वही वही। अरे अरे वो बहुत अच्छा रसोईया है, बहुत अच्छा रसोईया है। कुक कुक है। अरे आप लोग भी प्लीज कुछ बताइए, कुछ बताइए इनको। पूरा बिहार में कौन इनका हाथ नहीं पकड़ सकता। बचपन से पकाते हैं। रिश्ते में आते हैं बड़की चाची की तरफ से, नाम है वकील चौबे। वहाँ जाके बिक्की चौबे हो गए। लंदन में पूरा पसर गए हैं, खूब जमा लिए हैं, NRI का कार्ड भी ले लिए हैं। 6 महीने पहले जब गांव आए थे ना, बहुत दुखी थे बेचारे, वहां का बर्बाद खाना खा खा के थौबड़ा पिछाड़ा एक हो गया बेचारे। तभी उसने बताया कि उसे एक वेजिटेरियन कुक की जरूरत है। वेजिटेरियन कुक 400 मिलेगा। 400 2500 तो राम जी को यही मिलता है। करे और नहीं तो का? अरे पाउंड 400 pounds रुपया नहीं, और 1 pound में 80 rupees होते हैं, लगा हिसाब। बोल ना बेटा पकाता तो है। छपरा से आगे बढ़े हो कभी? माने 20-22 thousand rupees महीने का कि साल का? 20-22 thousand नहीं, 30,000 महीना। 30,000 इतने दिनों से हम कुक ही खोज रहे थे, यहाँ भोजन खाते ही हमको लग गया कि बस अपनी तलाश खत्म हो गई। और रसोईये का नाम पूछे तो पता चला कि अरे ये तो दुल्हन के भाई निकले। निकले? अरे आप ही के लिए तो निकले, ले जाइए। अरे आगे नात ना पीछे पगा। अरे जाइए जाइए बबुआ। अरे सुनिए सामान बांधिए इनका। अरे नहीं नहीं हा? अरे हम कैसे वहां तो इंग्लिश देखिए पढ़ाई भी तो पूरा नहीं किया ना, सिर्फ 8वीं कक्षा तक पास हैं। और ऐसा पढ़ल लिखल लोग हमारे राम जी के पैर के दूर बराबर भी ना है। ए बबुआ इमा मुर लटकाए के का बात है, तोरा ठीक ठाक समझ में आए ता जा, और ठीक ना समझे तो लौटी बस पकड़ के घर आ जा। बस की का जरूरत है, यहीं पर तो है, पैदल ही वापस आ जाएंगे राम जी। सात समंदर पार जाना पड़ेगा काकी, है ना पांडे जी? देखिए भाई भेजने का तो हम भेज दें, बाकी इनकी मर्जी भी तो कोई चीज होती है ना। तो हमारी एडवाइस है के शांत दिमाग से फुल फैमिली सोच विचार कर लीजिए और हमको बता दीजिए। तो आपका फैमिली से बाहर है मन का बनाना है इसमें, ले जाइए ले जाइए। अरे जिंदगी बन जाएगा हमारा इनका, ऐसा मौका बार बार थोड़ा आता है। आखिर है कौन इनका, ले दे के एक तो बहन है, उसके लिए तो जाएंगे ना। चलिए चलिए इनके जाने का इंतजाम कीजिए, चलिए। क्यों भाई राम जी क्या कहते हो, तैयारी करें? चतुर्दश वर्णभूषितां शशि सूर्याग्नि विलोचनं सुरेशम अयि भूषित कंठमच सूत्रम भ्रमयतम हृदय गणेशम। ओम जजमान केकरा नाम से पूजा करे को होई? गोपाल नारायण तिवारी पंडित जी।
हे प्रभु, सारी जिंदगी हम तपस्या किए, टकसाल में इसको भेज रहे हैं रुपया कमाने। हे प्रभु, हम इस सुहागरात पर से अमावस की छाया जल्द से जल्द हटा दें। राम भैया का ध्यान रखो, पहली बार विदेश जा, राम जी का ख्याल रखो, विदेश जा। हे प्रभु, मेरे बच्चों का भविष्य राम जी से जुड़ा है। इतने लोगों का सपना और इच्छा के साथ भेज रहे हैं, कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। हमारा ख्याल रखिएगा। जोड़ी एकदम शिव पार्वती का है, पर उसके घर वाले थोड़ा लालची टाइप के लगते हैं। पार्वती को बस वहाँ जाने का देर है। अपना गुण और स्वभाव के साथ पूरा घर भर देगी, सब लालच भुला जाएगा उनका। हाँ, उनका घर तो भर जाएगा, पर हमारा घर तो एकदम सुनसान हो जाएगा। हाँ, सब कुछ सुनसान हो जाएगा। ए पपुआ, का हुआ रे, थोड़ा परेशान लग रहा है? थक गए, थोड़ा आराम कर लो, मन हल्का हो जाएगा। ठीक से काटो, मशीन नहीं रखे हो का? ना, और मशीन रहता तो का नाक में घुसा देते। चल काट काट। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? ए अब्दुल, तू नाप ले लो। और सुनो, इसके बाद अरे बगल में भी छील लेना। अरे बगल छीलने से जलने लगता है। अरे पाउडर लगने से नहीं जलता है, पाउडर लगा ना कि सब शांत हो जाएगा। उठिए जरा, नाप ले ले। अरे अरे, जब ही उठ जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे? उठेंगे नहीं तो हम नाप कैसे लेंगे? दोनों काम एक साथ कर लें तो कोई हर्जा? एक बात बता, तो पाउडर लगाने से नहीं जलता है? नहीं जलता है तो छील दो जी। अरे का अभी ये वो नाक का काम पूरा नहीं हुआ है, एक तरफ से नाप ले रहा है, एक तरफ से बगल सजवा रहा है। देखिए, बीच में खून खच्चर हो गया तो हमारा जिम्मेदारी नहीं होगा। अरे गजब करते हो यार तुम लोग, विदेश हम जा रहे हैं और हड़बड़ा तुम लोग रहे हो। कोई कहता है छिल लो, कोई कहता है सिल लो। भड़कते कहाँ है भैया जी, जा आप ही न रहे हैं, लेकिन आदमी बन के न जाइएगा। ये जंगल लेके कहाँ जा रहे हैं? छठ में जा रहा घुमा के देखा। अच्छा, ये नमूने को कहाँ से ढक लिया है? मोहम्मद मियां कहाँ है? मोहम्मद मियाँ खुद ही बोले कि हमारे बेटा को नया फैशन का पूरा जानकारी है, इसी को लेके जाओ। देखिए ना कैसे फिल्मी कट पहने हुए हम अपने सीए हैं। बहुत होशियार है भैया जी। अरे पिछले साल भैसा लोटन में शूटिंग हुआ था ना, तो चंकी पांडे का पैंट यही सिया था। कह रहे वो घोड़ा पर चढ़ने का शूटिंग था, घोड़बा साला एक नंबर का खच्चर, दो हाथ उछलता था। जय चंकिया, घोड़ा पर चढ़ा, घोड़बा उठा दिया। ये तो बढ़िया हुआ बेचारा खाली पेंटे। इसको सिलाई कहते हैं तो रफू किसको कहते हैं रे? हां तो रफू है, लेकिन चंकी पांडे हाथ तो हमें से मिला है ना। 33 साल तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमसे कपड़ा सिलवा लेने से इनके अमिताभ बच्चन जी आएंगे और कहेंगे आओ हाथ मिलाओ। अरे अमिताभ बच्चन जी का नाम मत लो यार, उनका नाम सुनते ही हम जोश में आ जाते हैं ना। बस एक ही तो ख्वाहिश है, जैसे लोग अमिताभ बच्चन को उनकी कलाकारी की वजह से जानते हैं ना, वैसे अमिताभ बच्चन हमको भी एक दिन कुकिंग कला की वजह से जाने। बिल्कुल जाने भैया, फिल्म के संसा और अब कुकिंग के। अच्छा बाबूजी, आज्ञा दीजिए, चलते हैं। वहाँ पहुँचते हम फोन करेंगे। छुटकी का ख्याल रखिएगा, बच्ची है, कोनो गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए राम जी, बेटी जैसी है बेटी जैसी रहेगी। अच्छा देखिए, आप अपना खाना पीने का इंतजाम रखिएगा, रुपया भेजना मत भूलिएगा। ना ना, उसी के लिए तो जा रहे हैं। जरूर। अच्छा चलते हैं। पप्पू, बहुत जिम्मेदारी छोड़ के जा रहे हैं तुम्हारे कंधों पर, अपना ख्याल रखना। संभाल के रखिए, देर नहीं है, थोड़ा सा ही है। अरे तेरी, इस लिस्ट में जो भी सामान लिखे हैं गिन के ले आइए, ध्यान भी रखिए। ए छुटकी, काहे रो रही है रे? भैया, अपना ख्याल रखना। देखो, तुम्हारा रोता हुआ चेहरा देख के हम विदेश नहीं जाना चाहते, ये सब हम तुम्हारी खातिर ही ना कर रहे हैं। हाँ? चलो मुस्कुराओ। हाँ। और ससुराल में किसी को शिकायत का मौका मत देना, और चिट्ठी जरूर लिखना। चिट्ठी लिखते वक्त किसी की बुराई मत लिखना, कोई पढ़ लेगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। कोनो जास्ती परेशानी हो जाए ना, वही चिट्ठी जो है पेंसिल में लिख देना, हम समझ जाएंगे। ठीक है, चले का। Hello, hello.
This way through towards the end. Thank you. Thank you. Hello. Could you sit down over there? Yep, straight down the end. Thank you. Hello. Over there. अरे सब से बोले भाई साहब. नहीं मेरा मतलब है नमस्ते. हाँ नमस्ते नमस्ते. कैसे? बस ठीक. अच्छा अच्छी तरह लॉक लगा लिया? हाँ लगा दिया. अरे वाह ताला भी लगा लिया? हाँ. चेन भी? हाँ. लगता है आपका लंदन आना जाना काफी होता है ना? हाँ? ना पर काय पूछे वो क्या है कि आप पूरी तैयारियां करके आए है ना? हाँ. देखिए सूटकेस. हाँ. चेन ताला. पहली बार जा रहे हैं पर ये सब तो कॉमन सेंस वाली बात होती है ना. पूरी तैयारी के साथ निकलना चाहिए जब भी. अरे तेरी वो अजीब कोट कहाँ पहन रही है? अरे ये कह रही है कि आपकी सीट के नीचे जो लाइफ जैकेट है ना उसे पहनने से आदमी डूबता नहीं है. अच्छा अगर ये प्लेन पानी में गिर जाए तो? गिर जाए? हाँ पानी में. हाँ गिरेगा लेकिन पानी में या जमीन में वो नहीं मालूम. Excuse me, sir, stand up, please. अभी नहीं, please उतारो. नहीं हम पहने रहते हैं, बाद में दे देंगे ना आपको. No, sir, if we were to land at the water, we'd help you. देखिए पानी में गिरने के बाद हम आपको कहाँ ढूंढेंगे? हम पहने रहते हैं ना. No, sir, you don't understand. You have to take this off. नहीं हमको पहने. देखिए वहाँ पहुँचने के बाद. No, sir, you have to take this off now. अरे सुनिए, अरे भाई साहब कुछ समझाइए. उसको खींचो, इसको खींचो. भाई क्या हुआ? Good. अरे निकलिए निकलिए निकलिए. देखिए प्लेन को पानी में गिरने की जरूरत नहीं है. ये गला दबा के मार देगा. अरे निकलिए तो सही. ऐसा क्या दिख रही है? जाइए. बहुत छोटा. नहीं ये तो थोड़ा ऊंचा रख दिया रे भाई. जाइए जाइए. क्या देख रही है? सला इंसान के लिए बनाया या कबूतर के लिए? Excuse me, there's some man in the toilet and we've been waiting for so long. What's he doing for so long? We've been waiting really long. Okay, okay, don't worry. Let me see what's wrong. Excuse me. Huh? Hi, can I help you, sir? Huh? Can I help you? लोटा है का? लोटा? What lota? अरे हम निपट चुके हैं. यहाँ पे ना मग है ना बाल्टी. लोटा मिलेगा का? नो सर, आपको पेपर ही यूज करना पड़ेगा. अरे हम पेपर नहीं ना यूज कर सकते. पेपर तो हमारे यहाँ सरसूती होता है, उसे हम पांव तक नहीं लगाते. और आप कह रही हैं? नहीं नहीं प्लीज सर, आपको पेपर ही यूज करना पड़ेगा. बहुत पीपल लाइन में खड़े हैं. अरे अरे देखिए आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए. यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है भाई. अंदर आओगे तो फंस जाओगे. हम बुरी तरह फंस गए हैं. हराम जादे इतने पैसे लेते हैं लेकिन एक बाथरूम में लोटा नहीं रख सकते. का कोरक धंधा है सर. अरे आ रहे भाई, आ रहे आ रहे. कम ऑन सर. का देख रही हैं? आप लोगों के लिए पेपर है. जाइए जाइए. गो ऑन थ्रू. हद कर दिया, अब बैठने को मन नहीं कर रहा है. ओह गॉड, आप लोगों को मजाक लग रहा है का? सबका सामान का है तलाश कर रहे लोग हैं. डेढ़ घंटे से इसी लाइन में हम लोग खड़े हैं. समझ में नहीं आ रहा है. अरे
अरे तेरी, आते आते चोर डकैत का दर्शन भी हो गया। पर ये तो अच्छे घर के लगते हैं भाई। ये चोर डाकू नहीं है, ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट? नहीं नहीं, रिपोर्ट नहीं, डिपोर्ट किया जा रहा है। जैसे आपके पास ये कागज है ना, ये पासपोर्ट है, ये वीजा है, यही आपकी पहचान है। अच्छा। अगर आपके पास ये ना हो तो आपको भी जबरदस्ती वापस भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। नमस्ते। What is this, please? No, no, this is not my. Okay, sorry, next, please. No, आप समझे नहीं। This my friend, brother, sister, husband, London. He like very much for him. Is it edible? क्या? Is it eatable? Eatable? No, 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 not eatable. Only touchable. अरे अचार है भाई। Sir, you eat full bottle. Then morning tomorrow, ले लोटा भाग। No lota, no problem. और paper finish also. अरे भाई छरछरी छुट्टी। क्या बात है भाई साहब? अरे आप हिंदी बोलती हैं? जी। अरे ये तो अचार है भाई। Oh, it's just pickle in a jar. Is that okay? Yeah, that's fine. Yeah? You can go now. कोई बात नहीं, ठीक है, आप ले जाएं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। Next please. टैक्सी भाई साहब। अरे एक मिनट, ये पत ये देखिए, हाँ ये दिस एड्रेस गो। हाँ ठीक। कहाँ है दरवाजा? उल्टा दरवाजा है, आगे जाएगा पीछे जाएगा। आगो। एयरपोर्ट पे कोई लेने तक नहीं आया, कैसे लोग हैं? अरे गाड़ी से तेज तो आपका मीटर दौड़ रहा है, बहुत महंगा है। हाँ ओके, बस बस इनफ। 20 प्लीज। हाँ यू टेक दिस मनी गो। हाँ जाओ ना। अरे भाई साहब, बिक्की चौबे साहब का घर जस्ट राइट है। हाँ ये है का? बहुत आलीशान महिला रहा भाई। चलो अच्छा। श्रीमान बिक्की चौबे जी अंदर, राइट इन। अच्छा, अरे बिक्की चौबे साहब से मिलना है। वेट अ सेकंड, यू आर फ्रॉम कुक फ्रॉम तकीपुर? हाँ जी। हाँ धन्यवाद। मिस्टर बिक्की चौबे। अच्छा, अरे यहाँ तो पूरा मेला लगा रहे भाई, रुतबेदार आदमी लगते हैं। मिस्टर बिक्की चौबे, ना ना ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे भाई? पार्वती। इसराम जी। हाँ। सॉरी हम आपको एयरपोर्ट पे लेने नहीं आ पाए। आप समझ ही गए होंगे क्यों। दरअसल हमने आपको यहाँ आने से रोकना चाहा, लेकिन उसके पहले ही आप निकल चुके थे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें? ये तो एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ, मैं आपको दो मिनट। कह रही हैं? अरे वो खपा काय को हो रही हैं? आप देखिए उनसे कहिए कि वो जो पैसे देंगे वो हम लेने को तैयार हैं। हम सिर्फ खाना नहीं बनाएंगे, पूरे घर का देखभाल भी करेंगे। देखिए मिस्टर राम जी, आपके इंडियन मसालेदार खाना खाके इनके हस्बैंड मिस्टर चोबले की अल्सर की वजह से डेथ हो गई। आप वो आपको वहाँ नहीं रखना चाहते। देखिए आपका इंडिया का टिकट तैयार है, और ये लीजिए कुछ पैसे। हा? और आप फौरन इंडिया चले जाइए। देखिए देखिए, हम ये पैसे लेके कहीं नहीं जा सकते, इतने पैसे में तो कुछ नहीं होगा। अरे हमारे गाँव के लोग
हमारी बहन पार्वती हमारी कामयाबी पे आस लगाए बैठी हैं। हम ही पैसे लेके वहाँ चले गए तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। मैंने कहा वो आपको यहाँ नहीं रखना चाहते। सिर्फ शाकाहारी नहीं, हम मांसाहारी खाना बनाने को भी तैयार है। वो तो ठीक है। अरे अरे हम सारा घर का ख्याल रखेंगे ना। नहीं अरे सुनिए, हम कहाँ मुँह लेके जाएंगे वापस। मेरी बात सुनिए, वो आपको यहाँ नहीं रखना चाहते। वापस भेज सकते भाई। अरे पूरे घर का ख्याल रखेंगे ना। सोचता हूं अपने चुटके को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिला दो। महंगा जरूर है पर तुम्हारा आशीर्वाद मिल गया तो भी हो जाएगा। काट लेंगे। हाँ बैग, अरे हमारा बैग कहाँ गया भाई? अरे बैग, अरे बैग कौन उठाया भाई? अरे बैग कहाँ मेरा? अरे ये क्या है? बड़ा अजीब है। अरे कहाँ हो रहा भैया? किसका बच्चा है भाई? अरे कोई है कहाँ? अरे 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 रुको 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 अरे गाड़ी लग जाएगा भैया एक रुको अरे बिटवा अरे लग जाएगा गाड़ी गाड़ी अरे बड़े बुड़बक हो हंस कर रहे भाई। अरे किसका बच्चा है ये? अरे कोई है कहाँ? कहाँ तुम्हारे घर वाले? हेलो तुम्हारे घर वाले आ गए। सोनू सोनू बेटा बेटा ठीक हो? ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। हाँ थैंक यू थैंक यू। गुरु ये हंस क्यों रहा है? अरे वो हमारी दुविधा देख के हंस रहा है। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। पर आप लोग भी कैसे माँ बाप हैं, बीच सड़क पे छोड़ के चले गए। अगर वो लड़कता हुआ सड़क तक पहुँच गया होता तो वहाँ कांड हो गया होता ना। ध्यान रखेगा। वी आर रियली वेरी सॉरी। पता नहीं कैसे। अरे आप बिहार के? हाँ बिल्कुल ठेठ, बिल्कुल ठेठ। We are very grateful. Thank you so much. आपने सोनू की जान बचाई। नहीं नहीं ऐसी कोई बात। आप रहते कहाँ हैं? फिलहाल तो सड़क पे हैं। अब आगे देखते हैं। नहीं वाकई नहीं। आप शहर में नया हैं? हाँ बस एक दिन हुआ है। पर एक दिन में सारा जिंदगी देख लिया। राजा से रंग हो गए। अब इसको देखिए। अरे ए बब्बर शेर कैसा है रे? हाँ अरे अरे छोड़ो आप। Oh my God, Guru is bleeding. ना ना कुछ नहीं वहाँ। नहीं ऐसे कैसे? आप हमारे साथ घर आइए, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। घर ले जाने की क्या जरूरत है? पास ही में अस्पताल है, वहाँ ले जाके छोड़ देता हूँ। इन्हें हम घर ले जाएंगे।
आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम जी है। राम जी? हाँ। मैं अपर्णा। अच्छा। ये गुरु। नमस्ते। ये सोनू। ए बेटा। आप हमारे साथ घर चलिए। ओके? चलिए। अच्छा ठीक। अरे चलिए चलिए। आइए चलिए। कम ऑन। ए गुरु भैया, आपके घर में लोटा है क्या? लोटा? हाँ। हाँ, बाथरूम इंतजाम हो जाएगा। अरे अच्छा हुआ, जब से हम आए हैं तब से गए नहीं हैं। अरे पेपर देखते हैं तो दिल घबराने लगता है। मानना पूर्णा ओम जाता है। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम ये जो दाल भात है ना, अच्छी तरह सान देते हैं आपके लिए, और आप बिना एक दाना बर्बाद किए सब कुछ खत्म कर दीजिएगा, समझे ना? एकदम गुड बॉय हो। ना 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 ना, हम नहीं खिलाएंगे। आप अपने आप पूरा खा लीजिए, फिर हम आपको जाके चार मुंह वाले राक्षस की कहानी सुनाएंगे। नो नो राम जी, वो ये सब नहीं खा सकता। नहीं खा सकता ना? अरे का कोई दिक्कत है का भाऊजी? वो नहीं खाएगा। उठो तुम। हम अभी तक खाना नहीं खाए। मैं दूसरी प्लेट देती हूँ, चलो हाथ धो लो। आओ। ठीक। मैं सोनू के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अरे भाऊजी, आप बेकार मतलब का घबरा रही हैं। सब बच्चा पार्टी का एक ही आदत होता है, उनके सामने खाना रख दो तो इतना घबराते हैं, नाटक करने लगते हैं ना कि मान लो उनके साथ कोई जुर्म कर रहा है। लेकिन अगर उनको सचमुच भूख लगा हो ना, तो उनके सामने आप प्लेट रख दीजिए तो दुहिये मिनट में गोदाम खाली। सोनू बीमार है, वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है ना। वो तो हम देखते ही समझ लिए थे, फिर भी हम देखने की बात नहीं है ना राम जी। सोनू अपना खाना खुद निगल तक नहीं पाता, उसे तो मैं खिलाऊं तो। सोनू, सोनू, थूको, 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 गुरु, गुरु। अरे वो कहाँ थूकेगा, अब तक तो आधा खाना हजम हो गया होगा। हम कह रहे थे ना कि अगर भूखे बच्चे के सामने खाना ठीक तरीके से रख दो तो पूरा गोदाम खाली कर देगा। क्यों सोनू बाबू, सही कह रहे थे ना? सोनू पूरा खाना खा लिया अपने आप ही। खा लिया मतलब? मैं एक मिनट किचन गई थी बस। इसे अकेला छोड़ के क्यों गई तुम? अरे मैं सिर्फ एक मिनट किचन गई थी गुरु। हाँ। क्या खाया इसने? अरे कुछ नहीं, दाल चावल हम उनको सान के दिए थे, सारा खा लिए। और किसने कहा था आपसे ये सब करने को? हम सोचे कि गुरु, व्हाट, इसने पहली बार खुद से खाया। अप्पू, इस घर में सब कोई अप्पू अप्पू ही कहते रहते हैं। आप भी अप्पू अप्पू कह रहे हैं, ये बदमाश भी हर समय खाली अप्पू अप्पू ही कहते रहता है, क्या बात है? क्योंकि मेरा पेट नेम अप्पू है और ये बदमाश अप्पू के सिवा कुछ नहीं कहता है। अप्पू अप्पू क्या? Better be careful of। गुरु भाई साहब हमसे खपा है का? क्या नाम बताया? राम जी। राम जी कहता तो है कि सारे पेपर्स लेके आया था, वर्क परमिट भी था उसके पास, लेकिन जहाँ काम करने वाला था वहाँ ट्रेजरी हो गई, सो उसके बाद ट्रेन में बैग चोरी हो गया, इसलिए सारे पेपर्स भी। डू यू बिलीव हिम? लगता तो नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। सो गुरु, डू यू वांट टू हेल्प हिम? आई गुरु, उसने सोनू की जान बचाई है। Well, let's see what we can do. कहाँ हैं भैया आपके बिहारी बाबू? क्यों राम जी? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे हम जन्नत में आ गए भाई। ये रसोई है या ताजमहल, सब कुछ इतना साफ सुथरा, अरे कोई तो नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा लगा? अरे भाऊजी अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम घर पे आ गए हैं। वेरी गुड गुरु, और मैं बाहर रेस्टोरेंट में है, ये लोग तुम्हें काम समझा देंगे। ए भैया चूल्हा कहाँ है? ये माइक्रोवेव है, अंदर रखा, टाइमर लगाया, बटन दबा दिया। ठीक है, अरे तो आसान है। और ये बड़ा ओवन है, इसके अंदर एक साथ बहुत सारी चीजें। अरे ये तो हम पहले एक बार देख चुके हैं। कद्दू बना रहे का? अरे क्या हुआ? अरे इतना सोडा कहाँ डाल रहे हैं, पेट खराब हो जाएगा। थोड़ा लहसुन पीस के डालिए, देखिए स्वाद कैसा निखर के आता है। मैंने आपसे पूछा खपा का हो रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं ना आपको। मेरे काम में दखल मत दो। अरे हम आपके काम में दखल नहीं दे रहे, जो सही है वही कह रहे हैं, एक बार करके तो देखिए। मुझसे तुम ज्यादा जानते हो क्या? बना के दिखाओ। अरे खपा का हो रहे, बना के दिखाइए। अरे इसमें क्या, हम तो बना ही लेंगे, रोज बनाते थे, हम दिखाएंगे ना आपको। ये देखिए, ये थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए और इसको हम बनाइए। मुझे क्या दिखाना है, तुम मुझसे बेहतर जानते हो। ठीक है भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लीजिए। ए भैया थोड़ा लहसुन पीस के लेना जल्दी से, आज करवा ही देते हैं स्वाद की देवी का दर्शन। क्या हुआ राम जी? क्या हुआ?
अरे चाचा कह रहे थे कि खाना बना के दिखाओ, तो हम सोचे कि तकीपुर का स्वाद इनको थोड़ा चखा दें। अरे आप भी थोड़ा चख के देखे ना, लीजिए। अरे लीजिए लीजिए। अरे खाओ, अरे खाओ भौजी। एक मिनट यहीं रुको। अरे विज्ञान थोड़े है, लीजिए। नमस्ते, गुरु भैया के दोस्त हैं क्या? आप भी लीजिए। Jack, come on. Thank you. Taste this. It's great. ये सब तुमने बनाया? अरे यही नहीं, और ढेर सारे पकवान हमको बनाना आता है। हम तो गुजराती खाना, मराठी खाना, मद्रासी खाना भी तो बनाते हैं। डोसा, उत्तपा और गोलगप्पा भी हम बनाते हैं। अरे गाजर का हलवा बनाते हैं बगैर शक्कर का। ए गुरु भैया, आपका बावर्ची भी अजीब है। क्यों? सारा रोटी भी मशीन में बनाता है। ए भौजी, भौजी देखे ना, अपना सोनू जो है अपने आप खाना खा रहा है। डिलीशियस फूड मान गुरु। सोनू को देखा तुमने? इतना खुश मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा। आपको भौजी बोलता है। खुश है सब उससे। Yeah. I think मैं पेपरवर्क शुरू कर देता हूँ। देखो कानूनी तौर पे फिलहाल उसे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीजा वर्क परमिट मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। Okay. मैं एम्बेसी में पेपरवर्क शुरू कर देता हूँ। फिलहाल अगर तुम चाहो तो उसे अपने घर पे मेहमान बना के भी रख सकते हो। लेकिन बिना वर्क परमिट के, you know, वो तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम करता है, ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए। Oh. Okay? यार इलीगल काम तो मैंने आज तक कोई भी नहीं किया, लेकिन अब पुअर सोनू की खुशी देख के सोचता हूँ कि यू नो आई अंडरस्टैंड। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। बस इतना ध्यान रखो कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि वो तुम्हारे यहाँ काम करता है। दैट्स इट। बंधन बंधन हो गया, और गांव के एक छोरे का दिल लंदन लंदन हो गया। दिल लंदन लंदन हाय हाय, दिल लंदन लंदन आज, दिल लंदन लंदन हाय, दिल लंदन लंदन आज, यह दिल लंदन लंदन हाय, दिल लंदन लंदन। अरे पूरब को पश्चिम से मागिब होए, अरे पूरब को पश्चिम से कोई गठबंधन हो गया। दिल आज दिल लंदन लंदन, आज दिल लंदन लंदन हो गया, दिल लंदन लंदन। अरे गांव के एक छोरे का चुगली करता था, डर का खाया था दिल, देश छोड़ा तो कितने दिन मेरे संग ना आया था दिल। आग भरता था चुगली करता था, डर का खाया था दिल, देश छोड़ा तो कितने दिन मेरे संग ना आया था दिल। अब आ गया हाय ओ मेरे साथी ये, ओ अब आ गया मेरे साथी ये परदेसिया। दिल की घंटी बज गई गई हो, दिल टन 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 हो गया।
मक्खन हो गया। दिल मक्खन मक्खन आए जे दिल मक्खन मक्खन आए जे दिल मक्खन मक्खन हो गया दिल मक्खन मक्खन। अरे गांव का एक चारे का दिल लंदन लंदन हो गया। गुरु भैया बुलाए का वहां पे हमारा दाल जल रहा है। अरे रुको भैया, ये लो ये तुम्हारी पहली तनख्वाह। अरे का कह रहे। अरे गुरु भैया ये हमारे गांव भिजवा दीजिए हमारे बहन के पास और ये हम रख लेते हैं। इतने से पैसे का क्या करोगे? अरे इसका, अरे यहाँ पे एक बजरंग बली का मंदिर है और वहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं रखता, सोच रहे कि वहीं पे हम भेंट चढ़ा दें। सोनू राम जी अंकल को पहली तनख्वाह मिली है, पूछो पार्टी देंगे क्या? अरे रे रे रे, सोनू बाबा तो बिल्कुल राजकुमार हैं, बजरंग बली की दुआ से जब चाहे जश्न मना सकते हैं। क्या ख्याल है बजरंग बली? अरे तू बोलने लगा, ए का बोला रे? अरे बोलो ना, का बोला? का बोला रे सुनो, अरे बोलो, अरे बेटा का बोला, जल्दी बोला रे, का बोला? बजरंग बली। अरे सुनो, अरे इसको, अरे ये बब्बर से तो बोलने लगा। अबू इसको सुनो, क्या बोला तू? सुनो प्लीज, सुनो बोल, सुनो एक बार बोल, क्या बोला? सुनो प्लीज बेटा। अरे बोलो, एक बार बोलो प्लीज, प्लीज सुनो, सुनो प्लीज बेटा, प्लीज एक बार। बजरंग बली। अरे भगवान, बजरंग बली का लाख लाख शुक्र है। बजरंग बली। अरे अरे गुरु भैया क्या कर रहे हैं? सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे नहीं नहीं, ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। तुम हमारी जिंदगी में खुशी लाए हो राम जी। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं भौजी, ये सब तो ऊपर वाले की पार्टी पार्टी। इस कॉज फॉर पार्टी, इस कॉज फॉर पार्टी पार्टी। Excuse me darling, I need to brush my teeth. Look. Hi. Well, actually, see, some people want to do it this way, and I just don't believe Hi. It. Hey! Sammy, you're looking sexy. Who's my boyfriend? Apple. No, you. And who's your girlfriend? Apple. No, it's me. Apple cake. Oh my God! Did he say cake? Amazing! He said cake. Congrats! That's awesome. It's God's grace, Amira. It's like a miracle. Yeah. Oh, I know him. Another couple of drinks and he'll be sober. Hey, ज़्यादा नहीं. ज़्यादा नहीं। I'm watching him. आए न बाल में आ बाल रही है। अरे क्या हुआ? नमक चाहिए, खाने में कम है। अरे नमक बिल्कुल ठीक है, हम सोनू के लिए कम नमक वाला खाना बनाए थे, आप वो खा ली होंगी। अरे मुझे खाने में नमक कम लगा तो कम लगा। Can I have the salt please? देखिए अगर आपको नमक ज्यादा चाहिए ना तो अलग से ले लीजिए, हमारे खाने के बारे में अनशन मत कहिएगा। कपड़ों के बदले में चिंदी पहनी हुई है, आधी नंगी घूम रही है, हम कुछ कह रहे हैं क्या आपके कपड़ों के बारे में? Idiot, how dare you? तैर बैर तो आप कर रही हैं। लीजिए नमक चाहिए जितना चाहिए ले लीजिए, चाहिए बड़ी आई हमारे खाने के बारे में बोलने वाली। कवार, चुड़ैल, सिली, बिल्ली। You're damn right. Hey, Ramji. Check. Made Ramji.
The great chef from India. Namaste. Namaste. Mate Sammy, Mary Mangeter. Huh? Hi. Hi Ram. कोई मजबूरी थी क्या? बचपन में भी आता हो गया था? वरना कैसे बैठ गए इस औरत के साथ? धीरे बोल, काटती भी है। हाँ वो देख चुके। अरे प्रणाम प्रणाम आई है। राम राम बेटा राम राम। तुम्हारी दादी मौसी मामा जी आए हुए हैं। बैठिए बैठिए। पार्वती का ब्याह के बाद देखा नहीं, साथ में थोड़ा दही चूरा ले आए। अच्छा किए, अच्छा किए। समधी जी ये तरबूज आप ही के लिए लाए थे। हाँ, समधी जी तो अब तरबूजे लायक रह गए हैं। दामाद जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। गए हैं धूप में स्कूटर पर बदन सुखाते हुए देश दुनिया का हाल सुनाने। सेवा करती है। हेलो हेलो। हाँ हाँ राम जी। अरे खुश रहिए खुश रहिए। हमको मालूम है आप जवान के पक्का आदमी हैं। हाँ हाँ जौन रुपया भेजे थे वो हमको मिल गया है। चुटकी यहाँ से आसानी से लंदन में फोनवा लग जाता है का? भैया की है वहाँ से। पार्वती से पहले बात कीजिएगा। दुलाइन लो राम जी से बात करो। लो आओ। हेलो। ए चुटकी। हाँ भैया। कैसी है रे? अरे तुम्हारा पेन से लिखा हुआ खत मिला, बहुत खुशी हुआ। पर आपकी तबीयत कैसी है? ना 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 ना, हमारी फिक्र मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे बहुत अच्छे लोगों के साथ हम रह रहा हूँ। सच भैया? हाँ बहुत अच्छे। और सुनो तो अपना ख्याल रखो और हम जल्दी ही कुछ और पैसा भेज देंगे। सब मत भेजिएगा, अपने लिए भी बचा के रखिएगा और खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। याद है ना बाबूजी का बरसी आ रहा है? अरे हम कुछ नहीं भूले हैं, बिलायती पंडित को बुलाए हैं, आज ही हम मिलने वाले हैं उससे। हैं वहाँ कितना बजा है रे? बस भोर हुआ है अभी। गुड बाय। नल के नीचे? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, बाबूजी का श्राद्ध न करवाना है? वैसे भी आप बिल्कुल डिजको न लग रहे हैं, पूजा पाठ क्या करवाइएगा? टोपी जैकेट जींस पैंटवा। वेट का है? अरे इतना काफी है, मंत्रोच्चारण भी करूं। ठीक है ठीक है, लेकिन श्राद्ध नदी किनारे ही होगा, नल के नीचे नहीं। ठीक है ठीक है। हाँ, और श्राद्ध का सामान हम लेके आएंगे, आप ले आएंगे? आप ही ना ले आएंगे सामान? हम नहीं आप लाएंगे, हमसे पूजा कराएंगे। हेलो इंस्पेक्टर। हाय। हाय। बिजनेस इज गुड, न्यू कुक ब्रिंग्स इन अ बिग इंडियन क्राउड। आई वुडंट नो, इट्स नॉट माय शॉप मेट। कम, वुड यू लाइक टू जॉइन मी? थैंक यू। After you. I'll tell you something. Mm-hmm. I arrested 9 people without papers. And 7 of them were Indians, right? I know, mate. 1 more and you'll get promoted. You know quite a bit, mate. I practice law. Care for a smoke? No, thanks. Excuse me. Guru, would you... Any problem? Usko shak ho raha hai, Ramji ko andar bhejo. सुबह भी यहीं आ जाएगा और साथ में। ठीक है, इसे पहनने की जरूरत नहीं, अभी अंदर चले जाओ। गुरु कहाँ है? यप कमिंग। अरे दरोगा जी आए हैं। देख रहे हैं। नमस्ते नमस्ते दरोगा जी, कैसे हैं? यू वर्क हियर एज द शेफ? चीप। अच्छा चीप है का? ठीक है तो चीप दरोगा जी कह देते हैं। ठीक ठीक, तुम अंदर जाओ। तो पैर दबोचने की क्या जरूरत है? कुछ खाएंगे पिएंगे? गॉट योर वर्क पेपर्स मेट? पेपर? हाँ है ना, हमारे पास पेपर मसाला डोसा है, मिंट पेपर मसाला डोसा है और चीज पेपर मसाला डोसा है। क्या खाएंगे? नो परमिट, वर्क परमिट पेपर। अरे ये तो कुछ और ही पूछ रहा है। अरे गुरु भैया ये सफेद दा का कह रहा है? ये तुमसे कह रहे हैं कि अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। Hey. This is Mr. Guru. He owns this place. Would you like to eat something? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्वति महीयते। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः।
ओम केशवाय नमः ओम ओम केशवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम समर्पयामि समर्पयामि कार फायर इरप्शन है इट्स अ लिटिल फ्री ज़ोन या दिस इज नॉट गार्बेज दिस इज सेक्रेट थिंग्स ही इज डूइंग रिचुअल्स फॉर हिज डेड फादर गिव मी 5 मिनट्स आई विल फिनिश माय रिचुअल आप बैठिए हम खास करके पिताजी की आत्मा को शांति पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर अशांति फैला रहे हैं बोर्डबक कहीं के अरे कहाँ जा रहे हैं पंडित जी अरे भाग कह रहे हैं अरे सुनिए पंडित जी अरे श्राद्ध नहीं खत्म करना बहुत बड़ा पाप है अरे पंडित सर यू हैव टू कम विद मी प्लीज अरे हम कहाँ हैं पंडित जी भाग गए अरे हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं अरे काय कर रहे भैया अरे आपके देश में क्या पिताजी का श्राद्ध करना पाप होता है अरे छोड़िए अरे हम कुछ गलत नहीं कर रहे भाई अरे कहाँ जा रहे हैं व्हाट हैपेंड I was sitting by the riverside, slowly shouting my mantras. Then these Gora Choras, they come, beat their bad legs, and they kick on my balls. All 5 balls. All my fathers. What? अरे राइस बॉल्स, they kick on my balls. अरे श्राद्ध के लिए जो लाया था ना, and you throw me. What do you do? ये कोई टाइम होता है का? हाँ व्हाट डू यू डू अच्छा वो हाउ डू यू डू है का आई डू कुक यू नो गुरु साहब रेस्टोरेंट करी कॉर्नर आई कुक वेरी गुड फूड का वेयर इज योर वर्क परमिट हाँ वेयर इज योर पासपोर्ट एंड वीजा हाँ वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि वेयर इज माय पासपोर्ट एंड भिजा yes, that's what I'm asking. No, I ask you, bear. साला इतने दिन हो गया चुरो के कुछ पता ही नहीं ढूंढ भी नहीं रहे हो अरे रिपोर्ट लेको ना यार मेरा मुंह का ताकेरो ढक्कन हमारा गांव होता ना तकीपुर साला अब तक हम चूर को पकड़ के बीच रास्ते में नंगा दौड़ा देते अरे आइए गुरु भैया जय भैया एकदम बुड़बक थोला है इसको कुछ समझाना तो हाथी को चड्डी पहनाने के बराबर है What did you say? What did he say? चुप रहो राम जी अरे इसे हम डरते हैं का आई सेड टू अंडरस्टैंड यू The elephant bear under bear. EG. Where did the elephant come from? Eh? Officer, I have the papers for this man's release. I want this man's work permit papers, his passport and his visa on my desk tomorrow morning. Huh? Tomorrow morning? You mean Monday, right? You don't work weekends. All right, Monday morning, but they better be there and in order. Right, sir. All right, you can go. This man is so stupid. अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या जरूरत थी बोलने की कि तुम मेरे होटल में काम करते हो अरे गुरु भैया हमको क्या पता था कि हमको ये सब नहीं बोलना है हमको उस अफसर को हम पर पहले से शक हो गया था कम ऑन अब खुद मरोगे और हमें साथ मरवाओगे अरे आप काहे मरेंगे अगर गलती हमारी है तो सजा हमको ना मिलनी चाहिए इनका क्या कसूर है धोरे रहता हमें पुलिस थाने में हमको काहे छोड़ा हमको तुम्हें किसने कह दिया कि तुम छूट गए हो तुमको सिर्फ बेल पे छोड़ा है इन लोगों ने जब चाहे अंदर कर सकते हैं देखो भैया राम जी तुम एक बात ठीक से समझ लो अगर तुम्हारे पास तुम्हारा वीजा तुम्हारा काम करने का परमिट पासपोर्ट या कोई पहचान पत्र नहीं है तो तुम वैसे भी इस देश में मुजरिम हो और तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है और ऐसे आदमी को नौकरी पर रखने के जुर्म में मैं भी सड़क पर आ जाऊंगा यही कानून है तो हम क्या करें Damn. तुमने गड़बड़ कर दी राम जी What is screwed? किसी भी देश में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का सिर्फ एक ही रास्ता है उस देश के दामाद बन जाओ वहां की लड़की से शादी yeah, कर लो जय थैंक्स जय बट आई नो दैट या लेकिन हम लोग यहां एक लीगल नहीं एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कल सैटरडे है
उसके बाद संडे है, मंडे को हमें पेपर सबमिट करने पड़ेंगे, उसके बाद कोर्ट लेगा 30 दिन शादी का सर्टिफिकेट देने के लिए। ठीक है मान लो पेंटेकोस्टल चर्च में जाके हम लोग शादी करवा भी देते हैं, लेकिन दोस्त शादी के लिए एक लड़की चाहिए तुरंत। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, बस थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है। पैसा मैं किसी भी तरह से मैनेज कर लूंगा यार, बस मुझे इसमें से बाहर निकालो। ये सारे लीगल पचड़ में फंसकर मैं अपना सब कुछ गंवाना नहीं चाहता। जस्ट डू समथिंग। मैं कुछ करता हूँ। तुम मुझे किसी और से शादी करने के लिए कैसे कह सकते हो? तुम इसे बार बार शादी 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 क्यों कह रही हो? It's just a technical agreement. Why do you have to be so unhappy about it? Unhappy? और तुम्हें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है बेबी, पड़ता है, of course पड़ता है। तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे लिए बहुत आसान है? But मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि इस छोटे से agreement से कितने लोगों का भला हो सकता है। दूसरों का भला? पर मेरा क्या? मुझे उस अनपढ़ बावर्ची के साथ रहना पड़ेगा, उस गवार के साथ। पागल हो गई हो क्या सैमी? तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे लिए बहुत आसान है कि तुम किसी और के साथ रहो? No way, baby, no way. But I was just thinking, कल सुबह तुम्हारे चर्च में शादी हो जाएगी, उसके बाद वो अपने रेस्टोरेंट में और तुम वापस घर। 3 महीने के बाद तुम दोनों का तलाक, and then everything's back to normal. You make everything sound so sweet and innocent. तुम्हें अंदाजा नहीं है ये लड़की के लिए कितनी बड़ी बात होती है। मुझे अंदाजा नहीं है, मुझे थोड़ा ही कोई अंदाजा है। मैं तो पागल हो गया हूं। जय, व्हाई एम आई स्क्रूइंग अप माय ओन हैप्पीनेस बिकॉज़ मैं किसी का भला करने को निकला हूं? फॉरगेट अबाउट इट। आई जस्ट थॉट कि गुरु और अप्पू को जेल नहीं जाना पड़ेगा, बेचारा सोनू बेघर नहीं होगा, दैट्स इट। बट फॉरगेट अबाउट इट, इफ इट्स मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, जस्ट ब्लडी फॉरगेट अबाउट इट। You really want me to do this, Jay? Not if you're unhappy. अरे गुरु भैया, ये भी कोई हल हुआ का? समस्या का हल ढूंढने वाली बात अलग होती है और किसी को कुएं में ढकलने वाली बात अलग। अरे हम अपने गांव वाले को कहां जवाब देंगे, कहां मुंह दिखाएंगे? अरे कुछ नहीं होगा राम जी, असली शादी थोड़ी ना है, सिर्फ 3 महीने की तो बात है। हा? असली शादी? अरे तो नकली शादी कहां होता है? ये कोई गुड्डो गुड़िया का खेल है का? देखिए गुरु भैया, हमको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अरे राम जी, 3 महीने के बाद तलाक दे देना, उसके बाद लड़की अपने घर और तुम अपने घर। तलाक? ये का नया कांड कर रहे हैं आप? तलाक दे दें? अरे बहुत बड़ा पाप है, वो लड़की का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा उसे, वो सब जानती है। देखो इस अरेंजमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया है, वो लड़की जानती है, उसे मालूम है, सब कुछ मालूम है, लड़की राजी है। का दे सब भैया, कह रहे हैं कि पैसों के लिए राजी हो गई, अब पैसों की वजह से हमको तलाक देने से वो मना कर दी, तो हम तो फंस गए ना। ओ, ऐसा कुछ नहीं होगा राम जी, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे जानती है, तुम्हें जानती है, हमारी मदद करने के लिए कर रही है भाई। हा? हमें जानती है? हाँ। गुरु भैया कौन है ये लड़की? वो समीरा। कौन? अपनी जाय भाई की उड़बी? हाँ। यानी कि जय भाई की उड़बी अब हमारी उड़बी बन जाएगी, और फिर तलाक के बाद हमारी उड़बी वापस जय भाई की उड़बी बन जाएगी। हाँ। देखिए घड़ी घड़ी किसी के साथ ये उड़बी करना बहुत गलत बात है। देखो राम जी, हमारे पास बहस का कोई समय नहीं है, कल सुबह 6 बजे तुम्हें चर्च जाना है और शादी करनी है। चर्च? हम चर्च कहाँ जाएंगे, यहाँ मंदिर नहीं है का? वो मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था राम जी, वो ये शादी जल्द से जल्द हो जाए इसलिए तुम दोनों को अपना मजहब बदलना होगा, क्रिश्चियन बनना होगा और चर्च में जाकर शादी करनी होगी। हे गुरु भाई, अब मजाक कर रहे हैं का? ये का कांड पे कांड किए जा रहे हैं? पहले कह रहे शादी कर लो, फिर कह रहे झूठी शादी है, फिर कह रहे तलाक दे दो, अब कह रहे कि मजहब बदल लो। ये कोई मजाक है का? देखिए बाकी सब ठीक है, लेकिन हम मजहब के साथ मजाक नहीं कर सकते। हम ठहरे बजरंगबली भक्त, नहीं बाकी मजहब को भी मानते हैं, जीसस क्राइस्ट बहुत बड़े भगवान है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम बजरंगबली को क्या जवाब देंगे ना? ये सब हमसे नहीं होगा, आपको जो कहना कर लीजिए, हम वापस जा रहे हैं। ठीक है जाओ, तुम जाना चाहते हो ना जाओ, लेकिन एक बात जान लो राम जी, मैं कभी तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने पहली बार अपने परिवार में इतनी खुशियां देखी है।
हमारे बेटे के पैदा होने के बाद पहली बार मैंने अपनी पत्नी को इतना मुस्कुराते हुए देखा है, अपने बच्चों को इतना हंसते हुए देखा है, और अपने परिवार की खुशी के लिए हर इंसान को यह हक है कि वो जो कर सकता हो करे। और मैंने एक छोटा सा गैर कानूनी काम किया। तुम्हारे पास सही कागज नहीं थे राम जी, उसके बावजूद मैंने तुम अपने घर नौकरी पर रखा। लेकिन अब नौबत यहां तक आ गई है कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा राम जी, सब कुछ बिखर जाएगा। वो लोग मुझे जेल डाल देंगे, मेरी पत्नी को जेल में डाल देंगे और हमारे बच्चे को हमसे अलग कर देंगे राम जी। और इस सबसे बचने के लिए मुझे अगर हाथ जोड़कर तुम्हारे पांव पड़ के गड़गड़ाना पड़ेगा। गुरु भैया, गुरु भैया, बहुत शर्मिंदा है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमका माफ कर दीजिएगा। पता नहीं कि हम अचानक इतना स्वार्थी कैसे हो गए, भूल गए कि आपने हमारी कितनी मदद की है। आप जो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं, जो करवाना है करवा लीजिए। In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. The problem. Officer, you've got your job to do, and I've got mine. Papers on your desk tomorrow morning before 9:30. Yes, may I help you? May I come in for a minute? Please do, certainly. Come in. Thank you. May I speak to Robert, please? Robert? Who's Robert? Your son-in-law? Which one? No. Unless Samira's been a naughty girl. I don't think she's married. Ah, in that case, may I speak to Samira, please? Yeah, she's upstairs. She'll be down in a minute. In the meantime, can I get you a nice cup of coffee? Coffee would be great. Thank you. One coffee coming up. Who's Robert? No one. Excuse me, officer. Can I help you? What do you think you're doing? What do you think you're doing? What do you mean by that? How did a nice young lady like you get involved in something so illegal? I don't know what you're talking about, officer. Are you married to Robert? Yes. And does he live with you here? Yes. Well, Samira, your husband must be quite a man. Your grandmother's never seen him. Quite a marriage. Look, officer, I don't need to answer any of your questions. I suggest you speak to my fiancé. Lawyer. It's very unfortunate you got involved in this. If charges are brought, you will be implicated as well. Have a good day. Oh, and you better prepare for some visitors. Some immigration officials will be calling round this evening to verify your marriage. Thanks for the coffee. दो दिन पहले मैं आजाद थी और अब शादीशुदा। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो चुकी है जिसे मैं जानती तक नहीं, और अब मुझे उसके साथ रहना होगा। ऊपर से इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये यकीन दिलाना होगा कि हम वाकई में शादीशुदा हैं, वरना आई गो टू जेल। तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया जय? आई कांट हैंडल इट। किसी ने जबरदस्ती की थी क्या तुम्हारे साथ? तुम्हीं ने डिसाइड किया कि हाँ हम इनकी मदद करेंगे। जब डिसाइड किया कि हम इनकी मदद करेंगे तो तुम आखिरी मोमेंट पे ये नहीं कह सकती आई कांट हैंडल इट।
हमें सिर्फ इतना करना है कि इमिग्रेशन ऑफिसर को ये कन्विंस करना है कि तुम दोनों की शादी असली है. दैट्स ऑल. उसके बाद एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल. नॉर्मल? हाँ नॉर्मल. व्हाट एल्स? आई कांट अंडरस्टैंड. हम कानूनी प्रॉब्लम में हैं और उसका और कोई छुटकारा नहीं है हमारे पास. Guru and I really appreciate what you're doing for us. Jay, वो, I'm sorry, लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. पर उसको हम बाद में हैंडल कर लेंगे. फिलहाल रामजी को समीरा के घर ले जाना ज्यादा जरूरी है. इमिग्रेशन ऑफिसर्स के आने से पहले अगर कहीं ट्रैफिक में फंस गए ना तो बहुत गड़बड़ हो सकती है. ओ, अपू, रामजी का सामान बांधो फटाफट प्लीज. अरे बंद क्या है? किससे बात कोई सवाल मत पूछिए. मैं बाद में कमाल के तौर तो ये हमारे साथ कुछ रहेंगे. आपको घर में बंद करके चली गई थी का? कमाल है, हमारे तकीपुर में बदमाश बच्चों को इस तरह बंद करके चले जाते हैं. आप ही कोई बदमाशी की थी का? कौन है तू? अरे हमारा नाम राम जी है ना, हमारा नाम रॉबर्ट है, कल ही बदल गया. आशीर्वाद दीजिए. और आप? सिर्फ दादी. अच्छा ग्रैनी अंग्रेजी नाम है. हो गया. अच्छा राम जी तुम ऊपर जाकर अपना. राम जी नहीं रॉबर्ट. अच्छा रॉबर्ट तुम ऊपर जाकर अपने कपड़े अलमार में रखो. हाँ. तैरो. इमिग्रेशन ऑफिसर्स आते होंगे. डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है ना. स्पिट इट आउट. एकदम बदमाश दादी है. स्पिट. वो लोग आ गए. अरे कौन? इमिग्रेशन ऑफिसर्स अपनी गाड़ी पार्क करें, जल्दी चलो. अरे अभी हम कपड़े नहीं बदले. अरे चलो. अरे ठंडा लग रहा है भाई. अरे हम कपड़े तो ठीक तरीके से पहन लिए होते. अच्छा ठीक है, ये पहन लो, ये पहन लो. अच्छा पैर ऊपर आराम से लेट जाओ. पेपर पढ़ो. ठीक है गाइस, रिलैक्स करते हुए मुझे बुलाओ और दरवाजा खोलने के लिए बोलो. समीरा जी दरवाजा खोल दीजिए जोर से. अरे हम जोर से बोले या नहीं का फर्क पड़ता है? आप दरवाजा खोलना चाहती है, जाके खोल दीजिए ना. I'll kill you. जैसा बोली वैसा करो. जोर से कहो, come in darling, open the door. अच्छा come in darling, open the door. Oh god help me. का है? One more thing. अरे ये लो अपनी रिंग और जल्दी से पहन लो. Granny, I'll open it. Hello. We are from the immigration office. Darling, इमिग्रेशन ऑफिसर्स आए हैं, कुछ पूछताछ करना चाहते हैं. He's just so tired. He's got back from work right now. I understand. I'm sorry. The phone's taking a few minutes. Oh yeah, sure. Please come in. Oh, thank you. After you. Honey, immigration officers. Thank you. Namaste, Vishambar Mehra. Namaste, Ramji. That Robert. That Robert. भाई इसमें तो सिर्फ नहीं रॉबर्ट 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 बैठिए ना, बैठिए बैठिए. Please be seated. Okay. Congratulations on your wedding. Mubarak. Thank you. Mr. Roberts, you worked as a chef in India. Ka? हाँ आप इंडिया में बावर्ची थे ना. हाँ cook cook. And you studied up to year 8. Yes, 8th pass. But भाई, in my village only up to 8th class. Plus 2 means you go to town. My father said no, you no go to town. You go to town means you drink bidi. Bidi? Bidi, bidi. You know bidi? You know cigarette? Younger brother. Brown younger brother also. अच्छा ये बताइए, आप कुछ कम पढ़े लिखे हैं और आपकी पत्नी कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो आप दोनों का मेल कैसे हुआ? Love is blind, you know. No doctor for his blind also. हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बताइए ना मेल कैसे हुआ? तुम बता ना हनी. तुम ही बताओ ना हनी. It was an accident. अच्छा एक्सीडेंट, तो आप जरा विस्तार से बताएंगी ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और कब? ना अभी तक केस कोर्ट में है ना, हम उसके बारे में नहीं बात कर सकते. अरे हम संभाल लिए. डार्लिंग. अच्छा वो वाला. कम इन डार्लिंग, ओपन द डोर. ठीक था ना? क्या हुआ? फोन बज रहा है. अरे दोनों घंटा एक ही टाइप का है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं. हेलो जय. बाथरूम कहाँ है? हाँ बाथरूम कहाँ है?
काहे? फुटबॉल खेलना है? हा? अरे भाई जाना है। हाँ वो सब रोक के नहीं रखना चाहिए। हाँ उधर आ जाइए ना। कहाँ? चलिए बताते हैं। हाँ चलिए। अरे मर गए मर गए। बाथरूम जो है, हाँ यहाँ बाथरूम। थैंक यू। यहाँ हम बनाने वाले थे पर वास्तु की वजह से जो है सब गड़बड़ हो गया और फिर हमने सोचा कि अब बाथरूम जो है हम यहाँ बनाते हैं पर ये तो इतना बड़ा है कि हम नहीं बना सके तो सोचे कि क्यों ना हम बाथरूम जो है यहाँ बना देते हैं। जाइए ना, हमको भी आ गया। अब नहीं जाना। क्यों? बस ठीक है तो हम चले जाते हैं, अब मिल ही गया है तो थोड़ा इस्तेमाल कर लेना। Sorry for the inconvenience. कोई बात नहीं। देखिए हमारी ड्यूटी है इस देश में नकली शादियों को रोकना। और हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि हमें आपकी शिकायत मिली थी और यहाँ के माहौल को देखकर लगता है कुछ हद तक ये शिकायत सही भी हो सकती है। एनीवेज आप 2 हफ्ते बाद हमारे दफ्तर आ जाइएगा इंटरव्यू के लिए और उम्मीद करता हूँ आपकी शादी असली हो। और हाँ प्लीज कम प्रिपेयर्ड दिस टाइम। कम ऑन लेट्स गो। समीरा ट्राई एंड अंडरस्टैंड बेबी, अभी 14 दिन बचे हैं, वी कैन फिक्स दिस थिंग। कैसे फिक्स कर देंगे जय, और वो भी उस गवार के साथ? यू नो इट्स डिफिकल्ट। इसमें डिफिकल्ट क्या है, बस एक छोटी सी लव स्टोरी बनानी है, दैट्स इट। तुम्हें क्या लगता है वो लोग मान जाएंगे? पहले ही उन लोगों को हम पर शक है, एक बार घर आ चुके हैं, हम पर नजर रखे हुए हैं और तुम कह रहे हो वी कैन डू इट। सैमी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड बेबी, हमें सिर्फ एक लव स्टोरी तो बनानी है। चलो एक लव स्टोरी बनाई जाए, एक ऐसी लव स्टोरी जो इतनी आसान हो कि उस गवार को भी समझ आए और वो वही कहे जो मैं कहूँ। बना सकते हो ऐसी लव स्टोरी? Hey, I've got a great idea. अपनी लव स्टोरी सुना देते हैं, बस सिर्फ इतना करना होगा कि मेरी जगह उसको डाल दो। हमारी लव स्टोरी? या उससे आसान क्या हो सकता है? देखिए समीरा जी माफ कीजिएगा लेकिन अगर ये कहानी लेकर हम अफसर के पास गए ना तो हमको फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों? देखिए अभी आपने ये बताया कि वकील साहब आपकी कानूनी मुश्किलों को दूर करने के लिए 20 पाउंड प्रति घंटे लेते रहे, ठीक। अब पहले इनकी मुलाकात घर पे हुआ करती थी, फिर भक्त के चलते समीरा जी और इनकी मुलाकात कभी रेस्टोरेंट में, कभी सिनेमा में, कभी पार्क में होने लगा और इनकी प्रेम कहानी आस्ते आस्ते बढ़ती गई। पर प्रति घंटे वकील साहब का मीटर चालू रहा। कुल मिला के ये हुआ कि आपसे प्यार में पड़ने के लिए वकील साहब पैसे लेते रहे। अब जो आदमी इतना पैसा लेगा वो प्यार भरी बात नहीं करेगा तो क्या नाराज करेगा? हाँ देखिए समीरा जी, भले ही आपकी प्रेम कहानी सच्ची हो लेकिन इसे कोई मानेगा नहीं, हम कोई और प्रेम कहानी के बारे में सोचते हैं। हाँ? God, the floor is wet. What is this? God. What the hell? Ramji, Granny. अरे अरे क्या हुआ? अरे चिल्ला क्या रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? ये झंडे जैसा क्या है मेरे बाथरूम में? ये क्या है? का है मतलब का? कच्चा है। तुम आदमी के साथ इसका नहीं पहन सकते हो? और ग्रैनी देखो ना, पूरे फ्लोर पर भी पानी ही पानी है। अब बाथरूम में पानी नहीं होगा तो और कहाँ पानी होगा? और हम अपना कच्चा कहाँ सुखाएंगे? यही ना सुखाएंगे, खिड़की के बाहर सुखाएंगे तो और झंडा लहराएगा। नहीं I can't handle you anymore. Just go.
Jay, I really can't handle this man. I simply can't live with him. He's a jungli. उसने मेरे पूरे घर को बर्बाद करके रखा है. Calm down, पर हुआ क्या है? हुआ क्या है? अरे उसका एक अंडरवेयर मेरे खिड़की के पर्दे से भी ज़्यादा बड़ा है. And you know what? Every time I go to the bathroom, उसका बड़ा अंडरवेयर सामने होता है. Jay, I don't care. And you have to do something about it. I have to rush now, okay? Bye. Good morning. Morning, Granny. बेटी नाश्ता कर लो. मुझे नहीं चाहिए. मुझे लेट हो रहा है. मैं जा रही हूँ. Love you. अरे 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 हर रोज ऐसा. अरे समीर जी का बैग कहाँ गया? वो तो गई. गई? हाँ. अरे उनके बैग में हम जूस का बोतल रखे थे. ढक्कन लेने गए थे. ढक्कन? हाँ. तो क्या? मेरे बैग में जूस की बोतल क्यों रखी? अरे समीरा जी आप रोज नाश्ता खाए बगैर चले जाती हैं. 6-8 घंटे कुछ नहीं खाएंगी तो पेट में अल्सर ना हो जाएगा. किसने कहा था ये सब कुछ करने के लिए? मैंने कहा था अपने काम से काम रखो. मेहमान हो मेहमानों की तरह रहो. ग्रैनी इसको समझा दीजिए वरना इडियट. हमने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी? हम उन्हीं के बारे में सोच रहे थे ना. बेटा इस देश के लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं और खुद अपना ख्याल रखना चाहते हैं और अचानक कोई और उनका ख्याल रखने लगे तो परेशान हो जाते हैं और उनको शक की नजर से देखते हैं. समीरा भी तो वैसी ही है. नहीं लेकिन तू गया काम से. डराने की कोशिश कर रही है का? अरे नहीं बता रही हूँ. गुस्से में कभी कभी वो नाखून भी मारती है. बहुत बदमाश दादी हैं आप, इसीलिए आपको घर के अंदर बंद करके जाती हैं. अरे मनाने का तरीका बताएंगी या यूं ही डराती रहेंगी? तरीका तरीका तो है पर मैं क्यों बताऊं? मुझे क्या मिलेगा? गाजर का हलवा खाएंगी, पसंद है ना? कोई फायदा नहीं, मैं नहीं खा सकती हूँ, मुझे मीठा मना है. कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें शक्कर नहीं है, आप बिल्कुल खा सकती हैं. थोड़ा चख के तो देखिए. खाइए. कैसा लगा? मैं मर जावा. ला, अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे. पहले मनाने का तरीका बताइए फिर खिलाएंगे. अरे तुम्हारे हाथ में जादू है और मुझे पूछ रहे हो बेवकूफ. आज रात को उसका फेवरेट खाना बना के खिलाओ, वो मान जाएगी, खास करके मछली. मछली? अरे पर हम तो शाकाहारी हैं. अरे देख क्या रहे हो, छूना ही पड़ेगा ना. नहीं 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 दादी माँ पकड़ो पकड़ो. जैकेट. अरे कहाँ? स्टैक्स ऑफ शर्ट्स. कहाँ ले जा रहे हैं? अरे टाई. अरे हमको कुछ नहीं खरीदना. यहाँ रुको रुको. ये क्या है? राम जी तुम एक बात समझने की कोशिश करो. अब तुम अपना गांव छोड़कर लंदन आ गए हो. लंदन वालों की तरह जरा रहना वहना सीखो. तुम वो पर्दे वाले कच्चे पहनना बंद करो. देखिए ई हमसे नहीं पहना जाएगा. अरे तो लेडीज का है. अरे भाई ये लेडीज का नहीं है. यहाँ पे सब लंदन में ऐसे ही पहनते हैं. ये देखो. अरे अरे क्या करे क्या कर रहे? समीरा जी सुबह के लिए सारी. आइए ना खाना तैयार है, खा लीजिए ना. मुझे भूख नहीं है. सुनिए आपके लिए खास खाना बनाया है. अरे मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है. अरे बेटी थोड़ा सा तो खा लो ना. राम जी ने आज पहली बार तुम्हारे लिए नॉनवेज को हाथ लगाया है. मैं खाना खा चुकी हूँ, मुझे भूख नहीं है. एंड प्लीज डोंट फोर्स मी. समीरा थोड़ा सा खा लो ना, उसने भी खाना नहीं खाया है. मैंने कहा था उसे नहीं खाने के लिए. मैंने कहा था ये सब कुछ बनाने के लिए. तो फिर ये नया ड्रामा क्या है? जिसको जब जो खाना है खा ले, किसी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है. 2 हफ्ते की तो बात है, नया ड्रामा हर वक्त. गॉड मेरा कमरा इतना साफ. कैन बी क्रैनी. हाँ बोलो. मैं पहुंच गई. तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा फोन है? और कौन हो सकता है तुम्हारे सिवा? तुम्हें पता है क्या हो रहा है? बिहारी कच्चे सुखा रहा है क्या?
अच्छा एक बात बताओ। पूछो ना। तुमने कभी मेरे लिए खाने पे इंतजार किया है? एक कप चाय भी बनाई है मेरे लिए? ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? कैंडल्स जल रही है, कमरा बिल्कुल साफ है, डिनर रेडी है। He is proving to be an ideal husband. कुछ सीखो रामजी से। Ideal husband? Hey, hang on. Are you trying to make me feel jealous? Maybe. I'm just trying to tell you, I'm impressed. Impressed? बेवकूफी की बात ये है कि मैं नीचे ये कह के आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खाना खा चुकी हूँ। And the truth is, I'm really hungry. तो खा लो ना बाबा। I think I'll do that. I'll see you in the morning, love. Bye. Bye. अच्छा लगा ना? ग्रैनी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? Actually, I'm sorry. मैंने झूठ बोला था। मैंने खाना नहीं खाया था। खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। आप क्या खा रहे हैं? गाजर का हलवा। क्या? मीठा। डॉक्टर ने खाने से मना किया है ना? बिना शक्कर का है। वो हेल्थ फूड भी बहुत अच्छा बनाता है। वो तो है। मगर इससे अच्छा फिश मैंने पहले कभी नहीं खाया। अच्छा? गवार है, मगर खाना बहुत अच्छा बनाता है ना। धन्यवाद। हम सब कुछ सुन लिए। अगर खाना अच्छा लगा तो खुद ही हमसे कह देते। आज्ञा हो तो हम खा लें। भूख के मारे चक्कर आ रहा है। तुलसीदास सदा हरि चीरा कीजे नाथ हृदय मम दे। अरे भगवान, ये हमसे का करवा रहे हैं आप? हरीस ना, ये तो बहुत फर्क है रे। इतना टाइट है कि पहनने के बाद छील के निकालना पड़ेगा। कहाँ गया वो राम जी? अभी तक सैंडविचेस नहीं लाया। ग्रैनी, वो नौकर नहीं है। अरे मैं जानती हूँ तेरा हस्बैंड है, इसीलिए तो सेवा करा रही हूँ। आप नहीं सुधरेंगे, forget it. मैं क्या करूँ, वो मानता ही नहीं है। He loves cooking. Cooking. You know what? Ritz Hotel ने एक नया रेस्टोरेंट शुरू किया है जिसके लिए उन्होंने कॉम्पिटिशन भी रखा है। आप कहे तो उसके गाजर के हलवे की रेसिपी भेज दे। जरूर, गुड आइडिया। क्या हुआ राम जी, वहाँ क्यों खड़े हो? हेलो। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहे हो? कुछ नहीं। क्या हुआ राम जी? अरे मैं आपको नहीं बता सकते। अरे बताओ क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। एक मिनट राम जी। अरे ना, बताओ ना, बताओ तो सही। अरे आप तो बिल्कुल ही मत पूछे। हाँ? आपकी वजह से जैसा हमको ऐसा कुछ खरीद के दे दिए हैं कि हमको लग रहा जैसा हमारा कोई हिस्सा दल दल में फंसा हुआ है। हाँ हाँ, हंसी हंसी है। इतना कस के हमारे कमर को जकड़ रखा है कि रंगोली डिजाइन हो गया हमारे कमर में। हाँ हंसी हंसी, हम क्या कर सकते। एक्सक्यूज मी। यस। अपना भिंडसर के लिए यहीं से बस मिलता है क्या? A3। A3? अच्छा। आर यू न्यू टू लंदन? न्यू? हाँ हाँ, हम यहाँ नए हैं। आप यहीं रहते हैं क्या? या, I live here close by. Where do you live? कहाँ रहते हो? हम भी यही रहते हैं पीछे। अपना समीरा जी को जानते हैं क्या? समीरा, that hottie from the travel agency. वो तो नहीं पता, लेकिन अरे अपने जय साहब है ना, उनकी मंगेतर है। जय? हाँ जय लायर। अरे बहुत अच्छे लोग हैं वो। जय कपूर? हाँ। लड़की का नाम क्या बताया? समीरा। जानती आप उनको? नहीं, बस उसे कहना जैसे बच के रहे। जैसे संभल के रहे, क्या मतलब है? आप जैसे आपको जानती हैं क्या? अरे वो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान है इसलिए पिछले 4 साल से अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। बेटे की शक्ल? अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये कोई और जय साहब हैं, इनकी तो शादी भी नहीं हुई। जय कपूर, लॉयर कोरे से।
बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उनकी बीवी रह चुकी हूँ मैं। साला राक्षस है, हम कह रहे हैं ना। अरे एक वो 4 साल का बेटा भी है जिससे वो मिलने तक नहीं गया है। ए, देखो राम जी, ज्यादा तुम धोखा किया है। वो पैसे के लिए शादी किया उस औरत के साथ, और जब पैसा खत्म हो गया माँ बेटे को बीच सड़क पर छोड़ के चला है। अरे हम कह रहे हैं ना, समीरा जी के साथ भी यही करेगा वो। अरे वो उनका पर्सनल मामला है। हाँ। तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी उसने मदद की है ना तुम्हारी। मदद? अरे काहे का मदद, जो कुछ भी किया उसके लिए पैसा लिया है वो, उसे मदद नहीं कहते। और हम ये भी कह रहे हैं, जो पैसा आपने समीरा जी को दिया है ना, उसका एक टाका भी उस अमीरजा को नहीं दिया। अरे वो जो भी हो, जो भी है वो, तुम अपने काम से काम रखो। असली पति नहीं हो तुम उसके, तुम्हें बचाने के लिए शादी की गई है, समझे? जानते हैं हम असली पति नहीं है, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अब कहाँ जाते हैं कि हम चुपचाप हाथ में आते बैठे रहे। राम जी, हेलो, खड़ी कौन है? हेलो, व्हाट? अरे बाबूजी, हाँ, कैसे हैं? मुबारक हो, बड़ा बढ़िया समाचार मिला हमको। अरे सुने हैं कि वहाँ ब्याह शादी रचा के घर बसा लिए। बाकी अपना बहिन के घर बसाने के बारे में क्या विचार है? बाबूजी देखिए, माफ कर दीजिएगा, हम थोड़े उलझन में फंस गए थे, कानूनी चक्कर में पैसा कुछ ज्यादा ही खर्च हो गया था तो हम... देखो राम जी, जितना जल्दी हो सके इंतजाम कर लो, सबके लिए अच्छा रहेगा। Honey, I have come on, in the Sam. Even I gotta go in the morning, no. baby. Come on, I'm gonna listen to. Please just go. चलिए बाहर चलिए। सुना नहीं उन्होंने कहा? चलिए बाहर चलिए। Oh, अरे बाहर चलिए, दरवाजा उस तरफ है। अपने से समझ जाइए, वरना समझाना को अच्छी तरह आता है। क्या हो गया भाई, कुछ दारू वारू पी लिए क्या? पी तो नहीं है, लेकिन उतारना अच्छी तरह हम जानते हैं। चलिए बाहर निकलिए। राम जी, आप रहने दीजिए समीरा जी। तो वो तो कौन है भाई, मुझको घर से निकालने वाले? इनके पति। पति? नकली पति। अरे असली कौन है, नकली कौन है? अच्छी तरह जानते हैं। चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। खबरदार, तू वापस आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तुम्हारे देश में तो हम तुम्हारे देश के तौर तरीके नहीं जानते, लेकिन हमारे देश में औरतों की इज्जत करते हैं, उन्हें हम देवी बुलाते हैं, और अगर हमारे सामने उनके साथ कोई धोखा करे ना तो घुमा के मारी। तेरी साले, तू समझता क्या है? वेरी स्मार्ट। सॉरी, मुझे मियाँ बीवी के बीच में नहीं आना चाहिए। सॉरी, गुड थिंकिंग राम जी, गुड थिंकिंग। पगलाया हुआ का? Get out right now! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो कौन है? मेरा मंगेतर, और तुमने उसे? देखिए समीरा जी, मैं जय के बारे में ये कहना चाह रहा था कि जय के बारे में तुम मुझे बताओगे? बताओ, क्या बताओगे? जय के बारे में तुम ऐसा क्या जानते हो जो मैं नहीं जानती हूँ? 4 साल से जानती हूँ मैं उसे, और तुम सिर्फ 4 हफ्तों से। जस्ट गेट आउट, गेट आउट। Thank you.
क्या कर रही जिंदगी मैंने घर से निकाल दिया। पर क्यों? ये तुम पूछ रहे हो? कल रात उसने इतनी बदतमीजी की, फिर भी? तुम्हें क्या लगा कि वो सचमुच मुझसे बदतमीजी कर रहा था? No way! बाहर पुलिस वाला नजर रख रहा था। पुलिस? अगर वो हम दोनों को ऐसे देख लेता, तो we could have been in a problem। रामजी ने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया नहीं मतलब? तुमने उसको बताने का मौका ही नहीं दिया होगा। Oh God! I need to apologize। मैं पता करती हूँ कहाँ है। I'll call you back, okay? Okay, बाबा, keep me posted. Yep, bye. क्या तुमने रामजी को घर से निकाल दिया? God. तुम्हारा दिमाग खराब है समीरा। क्रानी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, प्लीज वन सेकंड। हेलो हेलो अब्बू, हाय समीरा, रामजी है? ओके, नो नो, नॉट टू वरी, आई विल कॉल यू बैक, टेक केयर, या बाय। समीरा, समीरा, रामजी, पार्वती, आप यहां क्या कर रही हैं? रामजी, I'm really sorry. ना, ना समीरा जी, गलती तो हमारी ही है। हम तो ये भूल ही गए थे कि हमारे बीच में सिर्फ 6-7 हजार मील का ही फर्क नहीं, बल्कि 6-7 पीढ़ियों का फर्क है। हाँ, पर हमारे गांव में अगर कोई लड़का किसी लड़की का बाह पकड़ लेना, तो सारा गांव मिलकर उन दोनों को ब्याह करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन आप तो सब कुछ जानते हुए भी जय साहब के साथ। देखो रामजी,
इसके बारे में बाद में बात करते हैं ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हमारी तबीयत को क्या हुआ, हम तो वैसे ही जैसे थे। हाँ, अगर आप बात नहीं करना चाहते तो बात अलग है। राम जी आज काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बीमार हो, कल ठीक हो जाओगे, फिर दिन रात काम कर लेना। अरे समरा जी, हम बिल्कुल ठीक है, हमारे बारे में मत घबराइए। ग्रैनी, व्हाई डोंट यू स्टॉप हिम? हाउ कैन आई स्टॉप हिम? तुम उसकी बीवी हो, तुम उसे रोको ना। अरे सुनिए दादी माँ, ये मियाँ बीवी के ड्रामा पे कुछ ज्यादा ही जोर दे रही हैं आप। हम बिल्कुल ठीक हैं, हम मिलते हैं। राम जी सुनो तो, अजय बजरंग बोली, बताइए हम क्या करते हैं? अरे उनको तो सब मालूम है, हमको ही कुछ नहीं पता था। खाम का उनके मामले में दखल देने लगे। समीरा को सब पता है? Are you sure? हाँ, sure, sure. मालूम ही नहीं बल्कि उनको इन सब बातों से कोनो दिक्कत भी नहीं है। अब उनकी जिंदगी है, जैसा जीना चाहे वो समझे। क्या हुआ? थोड़ा कमजोरी महसूस हो रहा है। You've got fever. ना हम ठीक हैं। खड़ा हुआ नहीं जा रहा, तुम ठीक कहाँ से हो? चलो मेरे साथ। छोड़ी ना बस आता है। चलो अभी घर चलना है। We'll take it to a doctor. चलो मेरे साथ। समीरा? Hey Granny, there's good news. Guess what? रामजी की रेसिपी सिलेक्ट हो गई है। ऑर्गेनाइजर से लेटर आया है। मैंने सारी फॉर्मेलिटीज भर दी है। समीरा तुम घर पे जल्दी आ सकती हो? रामजी की तबीयत खराब हो गई, उसे काफी टेम्परेचर भी है। आप डॉक्टर को बुलाया? Just give him the medicine I prescribed. Okay. He should be okay by tomorrow. Thank you, doctor. Take care, young man. अच्छा क्या कह रही थी? वो कह रही है अपना ख्याल रखना, कल तक ठीक हो जाओगे। ख्याल कैसे नहीं रखेगा, अब तो रामजी को ठीक होना ही पड़ेगा। कंपटीशन की तैयारी जो करनी है। हाय, पूरे 100 pounds खर्च किए तुम्हारी एंट्री फी पर। अरे कंपटीशन के फाइनल्स तक पहुंचे हो, कांग्रेचुलेशंस। वाओ, अरे वाह भाई अप्पू, अब तो अच्छी अच्छी रेसिपी में फटाफट सीख लो रामजी से, क्योंकि ये तो कंपटीशन जीत जाएंगे, उसके बाद बहुत बड़े शेफ बन जाएंगे और उसके बाद हमारे हाथ नहीं आने वाले। अरे काहे मजाक कर रहे गुरु भैया, हमको तो ऐसे ही अफसोस है कि आज हम छुट्टी ले रहे हैं। तुम जल्दी से बस ठीक हो जाओ, सोनू को कहानी कौन सुनाएगा? अरे कहानी तो हम बन कर रह गए हैं। तुम लोग यहाँ तो रेस्टोरेंट पर कौन होगा? अरे कोई नहीं होगा, इसलिए तो हम कह रहे हैं गुरु भैया हम भी साथ में चलते हैं। चलो चलो चलो, यू गाइस गेट बैक टू वर्क। सोनू अकेला होगा, यहाँ मैं संभालूं। ओके बाय। आई शुड बी थैंकिंग यू। टेक केयर, बाय बाय सैम। अरे भूल गए, हमको भी थैंक यू बोलना चाहिए था। राम जी, तेरी बस स्टॉप वाली फ्रेंड दवाई लेके वापस आ गई है। गुड कॉल। हाय हाय, अब कैसे हो राम जी? हाँ ठीक ठीक, ये रहे मेडिसिंस। अरे आई विल टेक इट, थैंक्स। बहुत बात करता है तुम्हारे बारे में। रियली गुड और बैड? मोस्टली गुड। व्हाई डोंट यू सिट डाउन? या श्योर, बैठे ना। एंगेजमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। आई होप यू एंड जय हैव अ गुड लाइफ टुगेदर। ओह थैंक यू सो मच। आप जानती है जय को? अरे आर नहीं तो का, बिना जाने ही जय भाई से शादी कर लेती। नहीं नहीं, ये सब कुछ जानती हैं। समीरा जी, यही अवनी जी हैं, हमारे जय साहब की पहली बीवी। आप तो कह रहे थे कि आप सब जानती हैं। कल रात को ये तो हम कहने की कोशिश, के ही हुआ कि आपसे प्यार में पढ़ने के लिए वकील साहब पैसे लेते रहे। अब जो आदमी इतना पैसा लेगा वो प्यार भरी बात नहीं करेगा तो का नाराज करेगा।
इंश्योरेंस एक्सक्यूज मी या सैम 9 o'clock मस्ती या ओके समीरा जो भी करना है सोच समझ के करो दिल से नहीं दिमाग से काम लेना समझी ओके गो बेटा राम जी कम गो गो मैं जाऊं गो 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 विद अ गो समीरा लिसन डोंट टच मी देखो अवनी एक भूल थी और जैसे मुझे उस बात का एहसास हुआ आई एंडेड इट ओ तो अवनी वाज अ मिस्टेक और ये एहसास कब हुआ शादी के कुछ साल बाद राहुल पैदा होने से पहले या बाद में राहुल राहुल मेरा बेटा नहीं है अच्छा तो राहुल तुम्हारा बेटा नहीं है डोंट इंसल्ट माय इंटेलिजेंस जय You make me sick. मैं यहां आने की हिम्मत सिर्फ इसलिए जुटा पाई क्योंकि मुझे लगा कम से कम आज तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे But you're such a bastard. मुझे अपने आप से घिन आती है कि मैं तुम्हारे जैसे आदमी के इतनी करीब आई जिसने पिछले 3 साल से अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी वैसे कितना वक्त लगेगा तुम्हें यह जानने के लिए कि मैं भी एक भूल हूं तुम गलत समझ रही हो इफ यू हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट यू विल नेवर कम नियर मी अगेन ऐसे बेशर्म आदमियों को कुछ नहीं होता इतना सब कुछ होने के बावजूद धमकी देकर गया है धमकी हाँ कि मुझे जेल भिजवा देगा और रामजी को कंट्री से बाहर फेंकवा देगा अरे ऐसे कैसे फेंकवा देगा गुरु भाई से इतना पैसा जो लिया है पैसा किस बात का अरे हमको और गुरु भाई को इस कानूनी झमेले से बाहर निकालने का कह रहा था कि सारा पैसा आपको दे देगा बेटी उसकी धमकी को लाइटली मत लेना वो कुछ भी कर सकता है बेटी इस सब से बचने का एक ही तरीका है अगर तुम दोनों इमिग्रेशन इंटरव्यू में ये प्रूव कर दोगे कि तुम्हारी शादी असली है तो जय ही नहीं कानून भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और वही जय के लिए सबसे बड़ी हार होगी अब तुम्हें एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए 12-13 साल की थी जब बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था अरे बाप रे बहुत बड़ा कप है और ये उसके बचपन की फोटो है जब उसे नहाने से एलर्जी थी दादी ये मत दिखाओ हाँ हाँ मत दिखाइए मत दिखाइए नहाने से तो पता नहीं लेकिन कपड़े पहनने से आज भी एलर्जी है अरे अरे हम मजाक कर रहे थे मजाक कर रहे थे उनका बाइक का नाम है BMW C1 ये सब भी जान लेना जरूरी है का धत समीरा जी आपका साइज का है 34B 34B अरे का कह रहे हैं वो तो हाथी का साइज है हैं हाँ अरे हमरे गांव में तो ज्यादा से ज्यादा अरे 6 या 7 होता है ये का साइज बता रही हैं आप 7 Are you sure about this, Mr. Kapoor? Yes, I'm sure. I'm sure we'll get enough evidence to nail them. Let's do it. We might get something. Appas adam salam ko. पिताजी का नाम था हेलो हाय
हाय सैमी, तुम अब तक गुस्सा हो? जय? थैंक गॉड तुम बात तो कर रही हो, मुझे लगा कि तुम कभी मुझसे बात नहीं करोगी। प्लीज फॉरगिव मी समीरा, आई रियली लव यू। जलेबी बना रहे हैं हमारे बच्चे, एग्जैक्टली जस्ट रिकॉर्डिंग कर। समीरा मुझे माफ कर दो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैं और नहीं रुक सकता हमारी शादी के लिए। शादी? बच्चे? मेरी शादी हो चुकी है जय। व्हाट रबिश, उस गवार से? ये शादी उसे सिर्फ लॉ से बचाने के लिए हुई है, रिमेम्बर। और हाँ हनी, वो पैसा जो तुम्हें शादी के लिए मिला है ना, वो सारा मैंने हमारे जॉइंट अकाउंट में डाल दिया है। पैसे ना, तो जब चाहो उसे निकाल सकती हो। वो नहीं लिए, हाथ खड़ी बना के ले जाएंगे। और जब झमेला खत्म हो जाए, नहीं नहीं, तो तुम उस बिहारी को तलाक दे देना। हाँ पैसे नहीं, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? किस पैसे की बात कर रहे हो तुम? I don't understand you. Listen, Samira, don't play games with me. I'm telling you. Please, Jay. मेरी शादी हो चुकी है और इस वक्त रामजी मेरी गोद में है। Please don't disturb us. What? तुम्हारी गोद? Come in, darling. Open the door. तुम किससे बात कर रही हो, हनी? अच्छा अच्छा। कोई नहीं, darling. Jay से बात कर रही हूँ। अच्छा, Jay भाई साहब। अरे का कोई खास बात है का? जब मियाँ बीवी बिस्तर पर लेट कर प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो ना, तो बीच में दखल नहीं देना चाहिए। क्या ख्याल है? ए, ए, बिहारी, खबरदार तूने समीरा को हाथ भी लगाया तो आज खेल यू। जय भाई साहब को क्या हुआ, 400 रुपये का? अरे हनी, हमारे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश कर देंगे का? क्या कर रहे हो तुम लोग वहाँ पे? Of course, sweetie, शर्ट उतार कर लेट जाओ। और मुझे क्या मिलेगा? जो मैं आपको रोज देता हूँ। ओ बेबी, कम हियर फास्ट। यू बास्टर्ड्स, यू गोना पे फॉर दिस, आई एम टेलिंग यू। यस, पता नहीं का का सपना देख रहा होगा। तुम बहुत बदमाश हो राम जी। तो आपका कम है, आपके हाथ में देखिए ना, निशानी हो गया अभी तक। बेचारा। कॉफी भी हो गया? क्या बात है, आज आप कॉफी बनाएंगे, ये तो देखने लायक होगा। Shut up! पता नहीं तुम्हें अच्छी लगेगी या नहीं। हमारी ये हिम्मत कि काफी आप बनाए और हमें पसंद आए। हम कह रहे थे। और क्या क्या होता है तुम्हारे गांव में? अरे अगर हम ऐसे कपड़े पहनकर गांव में निकले ना, तो कुत्ते काटने को दौड़ेंगे। मेरे सारे दोस्त कहेंगे देखो हीरो आ रहा है, हीरो। और यहाँ की लड़कियों की तरह वहाँ की लड़कियाँ पहने ना कपड़े, तो बस मेला ही लग जाएगा। कपड़े देखने के लिए? कपड़े होते कहाँ देखने के लिए राम जी। ना सच है। वैसे मुझे लगता है हमें ये पहन लेनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। आपका अगर हम पहना देते हैं अरे हमारा लिए धन्यवाद। खुशबू सपना है या जादू, जानू मैं ना जाने तो। वो देखो, अरे हमारे गांव में सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता। अरे मुझे पार्वती के बारे में बताओ ना। अरे गांव में हमारी बहन पार्वती है, पार्वती के बारे में क्या बोले, बहुत नटखट है। हाँ, अनजान तो कुछ भी नहीं होता। तुम ठीक कह रहे हो। जादू टोना
के फाइनल्स में पहुंच गया। ये देखो, वाओ। अरे अरे हुआ क्या आपको पता ही ना? चलो चलो बहुत तैयारी करनी है। जोड़े तो से माफी मांगे जा यहाँ से। देखो पार्वती, अब बात पैसे की नहीं है, अब सबुर का कागर भर चुका है। तुम्हारा राम जी भाई हमको बहुत बुरबक बनाया, खुद वहाँ बिहार रचा लिया और तुम्हारा घर उजाड़ दिया। बाबूजी, ऐसा मत करिए, हमारी बात तो सुनिए। देखो पार्वती, अब कोई चारा नहीं है। इसके पहले कि हम असभ्य बने, तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करें, तुम हमको माफ करो और जाओ यहाँ से। अरे हद है बेईमानी का, वादा करे रहे टाइम पर पैसा भेजने का। मैं राम जी को फोन किया, तब हूँ, अकेले नहीं आया। हेलो जी, राम जी से बात करना था। जी वो घर पर नहीं है। और आप? भाभी, पार्वती, आपको कैसे पता कि हम बोल रहे हैं? जो राम जी को जानता है वो तुम्हें कैसे नहीं जानेगा, वो तुम्हारे बारे में कितनी बातें। जी राम जी से बात करनी थी। पार्वती, सब ठीक तो है ना? मुझे कहो। समझो तुम राम जी को बता रही हो, बताओ। घर से निकाल दिए हमको, रात को बाहर खड़े, डर भी लग रहा है। ऐसे में पटना फोन किया उनको तो हमरा आवाज सुन के रख दिए। हम बोलते रहे कि जरा सा देरी तो हुआ है, राम जी मेहनत तो कर रहा है, लेकिन हमरा बात नहीं सुने। हम तो सोच रहे थे कि मर जाए, ये सब झंझट को खत्म करे, लेकिन पप्पू हमको बचा लिए। पप्पू हमरा राम जी के बचपन के साथी। हम लीजिए, खुद बात कर लीजिए पप्पू से। नमस्ते। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। तुम पार्वती का साथ दोगे? चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद उसकी आंखों में आंसू कभी नहीं आने देंगे। उससे शादी करोगे? बोले ना, हम चाहे कुछ भी हो जाए दुखी नहीं रहेगी, अब जिंदगी भर साथ निभाएंगे। पर राम जी, उसकी चिंता तुम मत करो, पार्वती को फोन देना। देखो पार्वती, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो राम जी जीते जी मर जाएगा। तुमने मुझे भाभी कहा है तो अब मैं जो कह रही हूं वो ध्यान से सुनो। हेलो,
Bank of London? Bank of London Customer Services. Yeah. What can I do for you, ma'am? I just need to get some money transferred to India. Yeah, sure. Could you give me some details? Could you brief me on that? Yeah, sure. But that's impossible. I mean, how can that be? Well, that's what it says here, sir. What seems to be the problem, sir? Look, I have a joint account in your bank, but this gentleman says there's no money in my account. How's that possible? It's very simple, sir. Your partner's withdrawn all your money. There's nothing we can do, sir. Shit! Dhoka diya tumne mujhe! I love you so much, and you ditched me for that bloody gawar! Chhodunga nahi main tumhe. Aur is saale Ramji ko bhi nahi chhodunga. Mujhse kya kar leta hai? Jail bhijwa ke rahunga main. Tum dono ko jail bhijwa ke rahunga. देखना मैं कल सुबह जाके इमिग्रेशन वालों को बता दूंगा कि सच क्या है. इन दोनों ने मिलकर मेरी लाइफ बर्बाद कर दी. मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था गुरु. और शट अप जाए. धोखा दे रहे थे तुम मुझे, समीरा को, हम सबको. जो भी कुछ तुमने किया सिर्फ अपने मतलब के लिए किया. और मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता रहा जाए. मैं सोच भी नहीं सकता था तुम ऐसा करोगे. ओ, इस साले बावर्ची के लपेटे में तुम भी आ गए. गुरु, डोंट फॉरगेट कि अगर मैं चाहूं तो मैं तुमको भी जेल भिजवा सकता हूं. जेल भिजवाने की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त हथकड़ियां पहना सकती हूं. तलाक के बाद 3 साल से राहुल की परवरिश और मेरे खर्च के लिए तुमने फूटी कौड़ी तक नहीं दी. मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इस गुनाह के लिए तुम्हें जेल भिजवाने से पीछे नहीं हटूंगी. जय, क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? और कितना नीचे गिरोगे तुम? कितना नीचे गिरोगे? My life is finished. Finished. It's over. Sorry. Sorry, everybody. I'm really sorry. Samira ji. हाँ? Samira पैदा हुई थी मिडिल सेक्स में. या? मिडिल सेक्स, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, मिडिल सेक्स है, सही बोल रहे हो. कैसा नाम है? एकदम गंदा नाम है, हिजड़ा नाम है मिडिल सेक्स. छोटा इमाम बड़ा, गांव तकीपुर, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिमा. पूर्णिमा? पूर्णी या समीरा? Oh, not again. उनके पिताजी काम करते थे हुअर कंपनी में. उनके पिताजी और माताजी का देहांत हो गया एक कार एक्सीडेंट में 1993 में. गांव तकीपुर, डिस्ट्रिक्ट दोस्त का नाम? प्रकाश कुमार. समीरा जी की माँ का नाम अखंडवती, अरुंधति. रामजी, रामजी, फोन लग गया तुम्हारा. अरे कहाँ फोन लग गया? लगी. हेलो. अरे पप्पूआ को बुला के नहीं. अरे नहीं नहीं. ए पप्पू, हमको माफ कर दीजिए रामजी. ए पप्पू, छोड़ ना रे. ना रामजी, आपको खराब लगा होगा, लेकिन और कुछ नहीं सूझ रहा था. पूरा गांव सब तरह तरह की बातें करने लगा था. इतना कैसे सुने पार्वती के बारे में? अकेले कैसे छोड़ दे उसको? भाभी से सलाह ले ली और उनके हुक्म से पूरे गांव के सामने पार्वती के साथ फेरा ले लिया. अगर आपको लगता है हम कोई गलती कर दी है तो माफ कर देना. अरे माफी तो हमको मांगनी चाहिए रे, तुमसे और पार्वती से. हमें समझ नहीं पाए ना, हम समझना नहीं चाहे. पप्पू, पप्पू हमको माफ कर दे रे. फिर आप पार्वती की चिंता छोड़ दे. हम हैं, पूरा गांव आपकी तरफ आस लिए हुए बैठा है. बढ़ते रहिए, सबकी दुआ आपके साथ. और इतना नाम कमा कर लौटिए कि पूरा इलाका मां हमारे गांव का नाम रोशन हो जाए. और जब आप लौटे तो पूरा गांव छाती तान कर गर्व से कहे, ई है हमारे राम जी, ई है हमारे राम जी. ठीक है, ठीक है.
यारी कंट लंगड़ बहुत की। अजय कपूर है, इनके वकील और फैमिली फ्रेंड। सही कह रहा हूं ना? हां हां हां। ये घड़ी रिंग्स पहना है कि कौन की? हां ठीक है, स्कूल का। अरे ग्रैनी मां जल्दी फाइल ले आइए। अरे ले आइए भाई, ये काला हमारा फाइल है। हां सुनिए, हम आपके लाल फाइल ले लिए। ये काला हमारा। अरे ले चलो चलो बंद। बाय ग्रैनी, हमको आशीर्वाद दीजिए। चलो 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 हमारी। अरे कम ऑन, थैंक गॉड। राम जी तुम्हें सब याद तो है ना? अरे आप बिल्कुल मत घबराइए, हम संभाल लेंगे। वैसे आपका माँ का नाम अनुमति था ना? अनुमति नहीं, अरुंधति। अरे मजाक कर रहे हैं, हमको सब याद है। जाइए तुनान से। So, Ramji, you can sit in here. अच्छा, यहाँ पे। That's right. You can go in. वो ऑफिसर्स देख रहे हैं ना? हाँ। इसलिए हाँ। नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा। उनका फेवरेट परफ्यूम का नाम है। राम जी नमस्ते भाई साहब। बैठो 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 बैठो। थैंक यू। कैसे हो? हाँ ठीक है बिल्कुल। ओके मिस्टर राम जी, फॉर इंफॉर्मेशन दिस कन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा ठीक है। क्या कह रही? ये कह रही है हमारी बातचीत इसमें रिकॉर्ड हो रही है। ओके रेडी? आपका नाम? राम जी। पूरा नाम? राम जी रामनारायण तिवारी। उनका लंदन कैसे आना हुआ? नौकरी के सिलसिले में। कैसी नौकरी? बावर्ची हूँ, खाना बनाता हूँ। आप एक ट्रेवल एजेंट और वो एक बावर्ची? तो तुम दोनों कैसे और कहाँ मिले? एक्चुअली घर में कमरा खाली था, मैंने सोचा क्यों ना एक पीजी रख ले। हम उनके घर पहुंच गए। अच्छा, और वो पीइंग वाला गेस्ट बन गए। बहन का नाम? पार्वती। बहुत प्यार करता है उससे। What's her shoe size? Shoe size is 7। पहली बार हम उनके जूते का साइज पूछे ना, तू कहे 34। और फिर बाद में पता चला कि 34 तो उनका उनका शू साइज है 7। शादी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? What? हाँ, 2 दिन में। ग्रैनी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। ग्रैनी कुछ माने को तैयारी नहीं थी, कहने लगी मरने से पहले हम दोनों की शादी देखना चाहती है। अच्छा ये बताओ तुम्हें अपनी पत्नी की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई? देखिए बचपन से ही बहुत इंडिपेंडेंट रही हैं, अकेले ही अपने पूरे फैमिली का ख्याल रखी हैं, ठीक हमारी तरह। What really drove me towards him was his innocence, his simplicity. बाहर से जितनी सख्त और सुलझी हुई लगती है ना, अंदर से उतनी नरम और नाजुक है। इतना सिंपल होने के बावजूद भी उसकी सोच यहाँ के कई पढ़े लिखों से ज्यादा ऊंची है। उनका मन तो बिल्कुल बच्चे के जैसा है। रामजी में एक ऐसी समझ है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर देती है। गुस्सा तो जैसे नाक पे मंडराता हो, पर दिल की बहुत साफ है। एक ऐसा भोलापन जो सब जगह मुस्कुराहट फैला देता है। खपा हो जाती है ना तो आंखों से मोटे मोटे मोतियां टपकने लगते हैं। खुद मुझसे पहले राम जी को यह एहसास हो जाता है कि मुझे क्या चाहिए और कब चाहिए। बिल्कुल मेरी माँ की तरह। पर एक बार प्यार से सर पे हाथ फेरा दो तो बिल्कुल गुड़िया बन जाती है। राम जी ने मुझे वो एहसास दिलाया जिससे मैं फिर से एक बार अपना बचपन जी सकती हूँ। He's a wonderful man. What a wonderful story. मुझे तो आपसे बहुत जलन हो रही। Congratulations. Congratulations and all the very best. Thank you. Thanks. अच्छा अब एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। भाई बुरा मत मानना, तुम ठहरे बिहार के एक छोटे से कस्बे के कुक बावर्ची। जी। और समीरा यहाँ पैदा हुई है, ट्रैवल एजेंट। जी। पूरी तरह वेस्टर्न। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ रहकर एक आदर्श भारतीय पत्नी की जिम्मेदारी निभा सकेगी? वो सब तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि हमारे बावर्ची होने का उन्होंने मजाक कभी नहीं उड़ाया, और उससे भी बड़ा काम किया उन्होंने भाई साहब। एक ऐसा काम जिसको करने के लिए हम भी हिम्मत नहीं जुटा पाते।
उन्होंने अकेले ही हमारी बहन का घर बसा दिया। अरे पार्वती का जिंदगी सवारने के लिए उन्होंने वो सारा पैसा गांव भेज दिया जो उनको मेरी बीवी बनने के लिए मिला था। ये काम तो एक भारतीय पत्नी ही कर सकती है। राम जी, जज्बात में आकर तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए। का कह रहे? अच्छा वो पैसों वाली बात। ए भाई साहब, देखिए ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। बहुत लोगों का जिंदगी इस पर निर्भर करता है, कुछ कीजिए ना भाई साहब। अरे बीवी हो तुम्हारी, तुम मुझे गले लगा सकते हो। सब गड़बड़ हो गया। You'll have to come with me, please. Come. समीरा, तुम्हें उसे बात करनी चाहिए। कम से कम उसे बताओ तो सही। You have to tell him how you feel. Kenny, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक हो रहा था, सब कुछ, और अब Come on, Mr. Ramji, please. समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों का एहसान हम कैसे चुकाएं, खास करके समीरा जी का। अरे नहीं बेटा, हम सब के लिए ये एक नया तजुर्बा था। We had some good times, son. वैसे वो है कहाँ? बेटा, वो यहाँ नहीं आई। ग्रैनी माँ, तुमसे मिलने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाई। समझ सकते हैं। हमें आगे दीजिए। हम सकते हैं। बच्चे से विदा ले लें। ए सोनू बाबू, तुमको कौन कहानी सुनाए करे? हाँ देखेगा ना इधर। मिस्टर रामजी, Mr. Ramji, we are delighted to be able to reveal that you are the winner of the Elephant Brand Atar Dish with a Difference competition. As a winner, you've won £50,000 and huh? We'd be more than happy to offer you the job as head chef. अरे क्या कह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि तुम कॉम्पिटिशन जीत गए हो रामजी। क्या? और बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जीत गए हो कॉम्पिटिशन रामजी। Excuse me, everybody, before this gets any more confusing, this man is not entitled to win anything in this country, as he has been classed as an illegal immigrant.
He has to go to the airport now, as we are late already. अरे गुरु भैया, आप तो कह रहे थे कि सब ठीक हो गया, तो ये दरोगा काहे नहीं समझ रहे हैं? राम जी, please somebody do something. This is not fair. How can they just take it away? This is a police matter. Well, that's what it says here, sir. He's our winner. You can't do this. Inspector, why are you doing this? Take it up with the Home Office, madam. It's out of my hands. You can't do this, sir. How can they just take it away? Back, sir. I wish you were never home. Hi, this is Emily. Can I speak to the chairman, please? I'll have to get the clear papers from the Indian Embassy. Yeah, yes. Excuse me, officer. I'm from the Home Office. Mm-hmm. Mr. Ramji is not an illegal immigrant. He lost his passport and his work permit when he arrived in the country. Yeah, here's the copy of the document and the verification of their authenticity by the Indian High Commission. And here is the order for his release. It seems he's been sponsored by a British company. These all seem to be in order? Mm-hmm. I guess Mr. Ramji's a free man. Well done. Here we appoint you as head chef. Gakin? अरे तुम आजाद हो, ये तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते. तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो. This is 50,000 pounds. Mr. Ramji, now that you won, what are you going to do with the prize money? क्या करोगे इनाम का पूछ रहे हैं तुमसे. अरे ये पैसा हमारा हो गया. सब पैसा, एक एक पैसा इसमें तुम्हारा. और अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है. तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो. सब ठीक हो गया. हाँ राम जी. इसको लेकर हम अपने गाँव जा सकते हैं. Go home, money, my money. वापस क्यों जाओगे तुम? गांव वापस क्यों जाओगे? अब तो सब ठीक हो गया ना यहाँ पे. हाँ गुरु भैया, सब ठीक हो गया ना. अरे पार्वती का घर बसाने आए थे, सो बस किया. अब इन पैसों से हम आपका कर्ज भी चुका देंगे ना. अरे फिर वापस क्यों जाना चाहते हो? अरे भाऊजी, हम यहाँ पैसा कमाने थोड़े आए थे, एक समस्या सुलझाने आए थे, सो निपट गया. अब इसके बावजूद भी अगर हम यहीं रह गए ना, तो हम सिर्फ अपने स्वार्थ और पैसों के लिए यहाँ रह जाएंगे. अरे हो सकता है कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम एक बड़े पावरची बन जाएंगे, ढेर सारे पैसा भी कमा लेंगे और आप लोगों की तरह एक पुरानी मर्सिडीज भी खरीद लेंगे. पर उस मर्सिडीज का क्या फायदा, जब तक हम अपने पार्वती और पप्पू को उस पे शान से सवारी करते हुए ना देख लें. अरे गुरु भैया, उस गाड़ी का क्या फायदा, जब तक हमारे गाँव वाले हमें उस पर ना देख लें. अरे उस शान और शौकत का क्या फायदा, जब तक छोटू मामा अपना सीना तान के बीच गांव में जोर जोर से उसका ऐलान ना कर सके. और हम जिंदगी भर के लिए इन लोगों के लिए तरसते रह जाएंगे. लेकिन हमारे गांव वाले कभी हमारी कामयाबी का फायदा नहीं उठा सकेंगे और लंदन में हम एक कामयाब बावर्ची और अधूरे इंसान बन के रह जाएंगे. लेकिन गुरु भैया, अगर ये पैसे लेकर हम घर चले गए ना, तो आपको कोई अंदाजा नहीं कि कितने लोगों का सपना पूरा हो जाएगा. अरे हमारे गांव वालों का सीना कर से फूल जाएगा. अरे वहां पे हम एक अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे ताकि हमारी बात कोई हमारी ऐसा अनपढ़ ना रहे.
और फिर वहां पे लोग कहेंगे कि राहु देखो वो है राम जी लंदन वाले। गुरु भैया वही हमारा अस्तित्व है और वही हमारे लिए सबसे जरूरी है। राम जी क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? जीवन में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब आपको अपने जिंदगी में सबसे प्यारी चीज और जिम्मेदारी को बीच में चुनना पड़ता है। दिल कहता है कि अपनी सबसे प्यारी चीज को चुन लो पर दिमाग कहता है कि अपनी जिम्मेदारियों को अपना लो। अरे हमारे सबसे प्यारी चीज की खासियत तो यही है कि आंखें बंद कर लो तो नजरों के सामने आ जाती है। पर जिम्मेदारियों का क्या करें, हाँ आंखें तो नहीं बंद कर सकते ना। जिंदगी भर याद रहेगा कि लंदन में एक परी से मिले थे। तुमने जो कुछ भी कहा सच है पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ना ना समीरा जी प्लीज प्लीज कुछ मत कहिए। देखिए बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाए हैं इन निर्णय लेने में। देखिए जो सही है वही कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें भी आप हमारा साथ दें। कमाल के आदमी हो यार तुम। मैं सोचता था कि मैं हर प्रेम कहानी को अच्छी तरह समझता हूँ लेकिन तुमने मुझे प्रेम कहानी का एक नया ही पहलू समझाया। वैसे तो अक्सर प्रेम कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है लेकिन तुम्हारी कहानी का अंत तो दो प्रेमियों के बिछड़ने से होता है और फिर भी ये अंत सही लगता है। कमाल के आदमी हो यार। अपना ख्याल रखना। नमस्ते। ओ नमस्ते। अरे ठोले भाई साहब ये आपका पुर्जा है भाई। It's a pleasure to restore your dignity to you, Mr. Ramji. I was only doing my duty. Been a privilege to know you. And if you ever do come back to England, you've always got a place to stay and a friend you can trust. You take care. पता नहीं क्या कह रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पर दिल की बात दिल समझता है। कुछ अच्छा ही कह रहे हैं। अच्छे दरोगा हैं आप। नमस्ते। नमस्ते। अरे हो लागना नजरिया राम जी नजरिया मोरे रामा जी को लागना नजरिया राम जी रामा जी को लागना नजरिया। जो हो गया सो हो गया। काश मैं इसे बता सकती। सिर्फ एक बार। और उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। ग्रैनी मां अब वो कभी नहीं मिलेगा। I'll miss him. I'll miss you too. What? मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी। What? अरे पगली जिंदगी में सिर्फ एक बार रामजी जैसे इंसान से मिलने का मौका मिलता है और फिर उसे अपने दिल की बात न बताना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ए बुड़बक ये मौका मत जाने दो। लो तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट ये रहा। इसे पहले कि बहुत देर हो जाए। Go for it, babe. He's the man for you. Go, come on.
Go. Go, Samira. Don't miss this chance. Go. Go. जाओगे? अरे इसे देखो चुप ही नहीं हो रहा है। जाओ मम्मी के पास लाओ, मुझे दो। खुद का होगा तब पता चलेगा, खुद ही संभालना पड़ेगा। सुन रहा है क्या? किसे दे? अरे आरती का थाली ले आओ ना भाई, टाइम होता जा रहा है। अरे आप ही काट लीजिए ना रिबन। हाँ। चिल्ला क्यों रहे हो? अभी 5 मिनट है ना। देखिए समीरा जी, 5 हानी जी देखिए ना, आपकी ग्रैंडमी अभी लंदन से आई है, उन्हीं से उद्घाटन करवा देते हैं ना, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। अरे किसका इंतजार किया जा रहा है? अरे 5 मिनट भाई, एक खास मेहमान का इंतजार हो रहा है। खास मेहमान? हाँ। अरे कौन खास मेहमान? राम जी क्या हुआ? लगता है आ गया। साक्षात हद है ना, तुम लोग जब चाहो टिकट खरीद करके हमें देख सकते हो, लेकिन हमें मौका नहीं दोगे अपना वर्ल्ड फेमस गाजर का हलवा खाने का। एक आम आदमी का सपना ये हद तक पूरा हो सकता है? इस सपने का भी सपना नहीं देखे थे। सब कुछ मुमकिन है भाई साहब, बस चाह की जरूरत होनी चाहिए। हैं? लाओ हम उद्घाटन किए देते हैं। कंचिका जी, अरे भाई ताली बजाइए। सब कुछ मुमकिन है। राम जी के पास है सबके लिए मसाला, हर ताले की चाबी, हर चाबी का ताला, हर ताले की चाबी, हर चाबी का ताला। बाबरची घराने से जुड़ी हैं इनकी तारें, बाबरची घराने से पीढ़ी दर पीढ़ी से बाबरची हैं सारे। बाबरची घराने से जुड़ी हैं इनकी तारें। कुएं के मेंढक है राम जी पर, है कुएं के राजा, सारे कुएं में बजता है इनके नाम का बाजा। सबके लिए मसाला, राम जी के पास है सबके लिए मसाला। बहनों की शादी की सर्व जिम्मेवारी, रात दिन यही ख्याल सर पे करे सवारी।